नमस्कार। हिंदी विभाग प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता है। पाणिनि व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हमारे बीच देश विदेश में प्रतिष्ठित मैथिली के चर्चित कवि, बांग्ला के कवि, भाषाविद प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी उपस्थित हैं। समय काफी निकल चुका है, मैं संक्षेप में अपनी बात को रखते हुए मैं सबसे पहले सर से आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। प्रोफेसर उदय नारायण सिंह, हमारे बीच डीन कला संकाय रेसिडेंसी विश्वविद्यालय प्रोफेसर तनुजा मजुमदार मैडम है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो भी मंच पर आए। और आप दोनों शख्सियतों का सम्मान करने के लिए मैं अपने विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद रमन पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी आए। बात आगे करने से पहले मैं एक गीत के लिए अपनी एक छात्रा को बुलाता हूँ, त्रिशालिता एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। परिचय के लिए, सर का काम बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, उसको समेटना बहुत मुश्किल भरा काम था, लेकिन उस परिचय में सर ने भी सहयोग दिया, इससे हमारा काम आसान हो गया। तो सर के परिचय के लिए भाषाविद प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी के परिचय में कुछ बातें हमारी एक छात्रा ने तैयार की है। शर्मना साधु आप लोगों के सामने सर का परिचय देंगे। नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस है। आज हम सभी यहाँ पाणिनि व्याख्यानमाला 7-8-9 के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं एवं यहाँ उपस्थित अतिथि महोदय प्रोफेसर उदय नारायण सिंह, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कला संकाय के डीन प्रोफेसर तनुजा मजूमदार मैम, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वेद रमन पांडे सर, हमारे सभी आदरणीय प्राध्यापकगण एवं मेरे मित्रों तथा सहपाठियों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। आज हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध भाषाविद प्रोफेसर उदय नारायण सिंह हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज हमारे व्याख्यान का विषय है बोलती बोलियां, माँ बचाओ खतरों से। अब मैं प्रोफेसर सिंह जी का संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। प्रोफेसर उदय नारायण सिंह एक प्रख्यात भाषाविद के अलावा एक सम्मानित कवि, नाटककार एवं निबंधकार भी हैं। आप वर्तमान में एमिटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम के भाषा विज्ञान विभाग में चेयर प्रोफेसर हैं। इसके पहले आप पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में विलुप्त भाषा केंद्र CFEL अर्थात सेंटर फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस के प्रतिष्ठाता अध्यक्ष रहे हैं तथा रविंद्र भवन के प्रोफेसर भी थे। सन 2010-12 के दौरान आप विश्व भारती के पहले प्रो VC भी रह चुके हैं। सन 2000 से 2009 के दौरान प्रोफेसर सिंह ने भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के निदेशक पद पर अपना महत्वपूर्ण सेवा दिया है। आपने हैदराबाद विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान केंद्र एवं अनुवाद अध्ययन केंद्र तथा मैसूर में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की है। आपने दिल्ली, बड़ौदा और सूरत विश्वविद्यालय में भी अध्ययन कार्य किया है। मैथिली भाषा के आप चर्चित कवि रहे हैं। मैथिली और बंगला में कुल मिलाकर आपके 8 काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित एवं चर्चित हुए हैं। आपके इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए हाल ही में साहित्य अकादमी ने आपको अपनी कविता पुस्तक जहलिक डायरी के लिए एकेडमी 2017 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त मैथिली में आपके 12 नाटक, बंगला में साहित्यिक निबंधों की 6 पुस्तकें और एक लघु कथा संग्रह भी प्रकाशित है। आप बंगला के भी महत्वपूर्ण कवि हैं। बंगला में वृहद अनुवाद कार्यों के अलावा आपके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, एक भाषा विज्ञानी और संस्कृति तथा अनुवाद विशेषज्ञ के रूप में देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनके 180 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित है। इन्होंने बांग्ला, तमिल, कन्नड़ एवं मराठी भाषा शिक्षण में उपयोगी कुल 545 शिक्षण डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की परिकल्पना एवं उनका निर्माण भी किया है। सन 2006 में फ्रैंकफर्ट के पुस्तक मेले में इनको विशिष्ट अतिथि कवि के रूप में आमंत्रित किया गया था। साल 2007 में इन्होंने चीन में सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। इसी क्रम में इन्होंने एंडोरा, बांग्लादेश, बेल्जियम, कैरेबियन द्वीपमाला, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, इटली, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, सिंगापुर, स्वीडन, थाईलैंड एवं मार्किन युक्त राष्ट्र की यात्रा भी की है। दुनिया भर के संस्थानों से इन्होंने विभिन्न तरह के एकेडमिक अनुदान एवं सम्मान प्राप्त किया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: LSA फेलोशिप इलिनॉय विश्वविद्यालय, PICL फेलोशिप हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन, विजिटिंग प्रोफेसरशिप IIAS शिमला, प्रोफेसर सुनिधि कुमार चैटर्जी लेक्चरशिप एशियाटिक सोसाइटी, मिथिला विभूति सम्मान,
कीर्ति नारायण मिश्र सम्मान, ज्योतिरीश्वर सम्मान आदि। चेन्नई पुस्तक मेला की ओर से उन्हें कविता पुस्तक मध्यम पुरुष एक वचन के तमिल अनुवाद के लिए 2014 के तमिल इतर अन्य भारतीय के श्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार भी मिला है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें कुछ इस प्रकार हैं, डिग्लोशिया इन बांग्लादेश एंड लैंग्वेज प्लानिंग ज्वाइंटली मनीरुज्जमन 1983, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अ प्लूरलिस्टिक पैराडिग्म 1992, सुनीति कुमार चैटर्जी अ सेंटेनरी ट्रिब्यूट 1997, कल्चरेशन 2001, लैंग्वेज सोसाइटी एंड कल्चर 2004, इंडिया राइट्स अ स्टोरी ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड प्लूरिकल्चरल सोसाइटी 2006, ट्रांसलेशन एज ग्रोथ 2010, द ओरिजिनल गीतांजलि 2016 और 6 कोश ग्रंथ लॉन्गमैन CIIL इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेजेस डिक्शनरीज। इनकी आने वाली पुस्तकें हैं बियॉन्ड लैंग्वेज टूवर्ड्स साइलेंस, टैगोर्स जर्नी इन टू आर्ट एंड पोइट्री 2017 एवं द अदर इंडिया व्यू फ्रॉम बिलो ज्वाइंटली विद राजर्षि सिंह साहित्य अकादमी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला साधु, आपने इतनी खूबसूरती से अपने शब्दों को रखा। पाणिनि व्याख्यान माला की परिकल्पना भले मेरी थी, लेकिन इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने और इसके लिए जो आधारभूत जरूरतें हैं उसको मुहैया करवाने में और मनोबल बढ़ाने में जिस एक व्यक्ति का हाथ है वो है प्रोफेसर तनुजा मजुमदार जी। दो दिन पहले ही इन्होंने अपना अध्यक्ष पद का दायित्व अपने कनिष्ठ और हम लोगों के बीच के साथी वेद रमन जी को सौंपा है और इनका दायित्व कुलपति महोदया ने और बढ़ा दिया है। हम तो साथी हैं, हम क्या कहें। मैडम से अनुरोध है कि डीन कला संकाय प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की ओर से पूरे बंगाल की ओर से प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी का किस के सम्मान में दो शब्द कहें। प्रोफेसर सिंह जी हमारे बीच साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने के बाद पहली बार कलकत्ता आए हैं, तो प्रेसिडेंसी एक तरह से साहित्य अकादमी विजेता कवि को पहली बार बंगाल में सम्मानित करने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रोफेसर तनुजा मजुमदार जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद ऋषि जी। मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की ओर से, कलकत्ता की ओर से, बंगाल की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उदय नारायण जी से मेरा एक रिश्ता है, वे मेरे गुरुपुत्र हैं। उनके पिता प्रबोध नारायण सिंह की मैं छात्रा रही हूँ और बहुत लाडली छात्रा रही हूँ। सर जब भी क्लास में आते थे जरूर कुछ न कुछ मुझे कहते थे, अनुप्राणित करते थे। जब मैं शांतिनिकेतन में रिसर्च के लिए प्रोफेसर तोमर जी के पास जा रही थी तब प्रबोध नारायण सिंह जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। शास्त्री जी, प्रबोध नारायण सिंह जी और दयानंद श्रीवास्तव, ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे और सर ने मुझे कहा था बहुत अच्छा तुम जाओ और हमारा नाम रोशन करो। तो इन तीनों गुरुओं का आशीर्वाद लेकर मैं शांतिनिकेतन गई थी। आपकी माता जी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती थी लेडी ब्रेबन कॉलेज में, उन्हीं के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी उनके अवकाश लेने के बाद। अनिमा जी का भी स्नेह हमें काफ़ी मिला है। पाणिनि व्याख्यान माला की आज तीसरी कड़ी है। हमने इसका उद्घाटन भाषण प्रोफेसर गणेश देवी जी
ने दिया था, उसे सुनने का हमें सौभाग्य मिला। दूसरा भाषण प्रोफेसर हेगड़े जी ने दिया था, उसे उनके संस्पर्श में आने का हमें सौभाग्य मिला। और आज भारत के एक और अन्यतम भाषाविद को सुनने का हम सबको आज अवसर मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक ही महीने में हम तीन बड़े भाषाविदों को सुनने में सक्षम हुए हैं। ये अवसर हमें मिला है, इसके लिए ऋषि जी धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ दिन पहले मैं शांति निकेतन गई हुई थी, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो रहा था और वहाँ के भाषा विभाग के डीन प्रोफेसर अभिजीत सर आपकी बहुत चर्चा कर रहे थे और बहुत दुख के साथ वो कह रहे थे कि उदय नारायण जी हमारे बीच थे लेकिन विश्व भारती ने उनका सदुपयोग नहीं किया। चाहते अब वो बहुत कुछ हमें दे सकते थे लेकिन हम नहीं किया, वो इस दुख की अभिव्यक्ति कर रहे थे। विश्व भारती से बाहर निकलकर आप बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंच गए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और विश्व भारती से बाहर जाने पर भी आपका विश्व भारती के साथ नाता तो है ही, बंगाल के साथ है, सबके साथ है आपका नाता। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अधिक आपका समय नहीं लूंगी। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय ने अपने 200 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक नए विजन को लेकर, एक नई संकल्पना को लेकर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। 5 सालों में ही इसने काफ़ी काम आगे बढ़ा लिया है। हमारा विभाग भी भारतीय भाषाओं एवं भारतीय साहित्य को लेकर कुछ परिकल्पनाएं कर रहा है जिसकी एक कड़ी के रूप में बहुत शीघ्र ही एक नई शाखा खुलने जा रही है तुलनात्मक साहित्य पर। इसी एकेडमिक सेशन से एमए कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम भारतीय भाषाओं का भी एक केंद्र यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। तो हम प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षितिजों को ही स्पर्श करना नहीं चाहता है, वो अपने देश और अपने देश से जुड़े हुए जो पड़ोसी देशों के भाषा एवं साहित्य को, उसका भी अध्ययन केंद्र यहाँ पर खोलने की परिकल्पना कर रहा है। तो इसके तहत पाणिनि व्याख्यानमाला हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिकल्पना है और इससे हमें मजबूती मिलेगी, आगे के बारे में सोचने की दिशा मिलेगी। और जिन्हें जो हमारे यहाँ व्याख्यान देने आ रहे हैं उनसे हमें बहुत अधिक सहायता एवं दिशाएं मिल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा विश्वविद्यालय अच्छा लगेगा, हमारे विद्यार्थी आपको अच्छे लगेंगे और आपका व्याख्यान हमारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, स्वागत के शब्द। मैडम आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं 4 साल CIL में रहा और जब मैं CIL गया उसी साल प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी CIL छोड़ चुके थे 2009 में। ये शायद मार्च में छोड़े हैं और मैं जुलाई अगस्त में CIL ज्वाइन किया। वहाँ पहुँचने के बाद से ही भारतीय भाषा संस्थान के महत्व को जाना, मैसूर में जो है, और उदय नारायण सिंह क्या है ये भी जाना। वहां जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, LC
LDCIL डाटा कंसोर्टियम, जिसमें अभी वर्तमान में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्थाएं भी जुड़ रही हैं उन प्रोजेक्ट से। नेशनल टेस्टिंग सर्विस में मैं प्रोजेक्ट स्टाफ था, रिसोर्स पर्सन था। वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सालाना 2 करोड़ रुपए का। NTM तो और भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सैम पित्रोदा जी ने उसकी वो की थी, परिकल्पना की थी। भारत सरकार को कहा था कि इस नेशनल ट्रांसलेशन को, मिशन को सचमुच में मिशन की तरह चलाया जाए, पूरे देश में इसको फैलाया जाए और जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो भारतीय भाषाओं में आए, इसकी कोशिश हो। तो सर का व्यक्तित्व, कार्य क्षेत्र, वहाँ देखकर आप जो भी जाएगा, आपको कोई सुनाएगा नहीं, आप जहाँ टच करेंगे पता चलेगा कि ये काम उदय नारायण सिंह जी ने शुरू किया था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, जैसे आपने यहाँ अभी प्रेसिडेंसी में चीजों को बदलते हुए देखा, कुछ इसी तरह का चेंज इन्होंने 10 साल, अमूमन CIL में 10 साल निदेशक पद पे कोई नहीं रहता, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। और एक और बड़ी परियोजना में ये काम करने जा रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों से वो परियोजना ठप हो गई और सर वहाँ से फिर शांति निकेतन आए और अभी गुड़गांव में है, MIT यूनिवर्सिटी में। मैं जो कहना चाहता हूँ मैडम, वो ये है, कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति की विनम्रता को पहचानना चाहते हो, सचमुच उसका मूल्यांकन करना चाहते हो, तो उसे कोई पद दो और थोड़ा धन दो। पद और धन पा लेने के बाद भी अगर वो विनम्र रहता है, तब मानना कि वो विनम्र है। सर को तो मैं डायरेक्टर के पद पे नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने इनको देखा वहां कार्य करते समय, सबने कहा कि उनमें अभिमान तो बिल्कुल नहीं था। दिवाली होली जैसे त्यौहार, जो वहाँ के जो स्थानीय त्यौहार थे, उनमें सर खुद प्रोजेक्ट में घूम घूम करके बधाइयाँ दे देते अपने कर्मचारियों को, स्टाफ को। और वही विनम्रता मैंने बाद के दिनों में महसूस की, जब मैं प्रेसिडेंसी आया और 2015 में सर को मैं आमंत्रित किया, अभी मैंने इनको आमंत्रित किया। आप समझ सकते हैं मेरा कितना छोटा कद है और सर का कद कितना बड़ा है। लेकिन व्हाट्सएप पे मैं जुड़ा हूँ, इन्होंने मुझे जोड़ा और जो भी जहाँ दिक्कत हो रही थी, डेट को लेके, टाइम को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, इतनी सहजता से इन्होंने सारा सहयोग किया कि सचमुच मैं लगा कि अगर आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है अकादमिक क्षेत्र में, तो वो उदय नारायण सिंह जी हो सकते हैं। अब मैं समय न लेते हुए एक छोटा सा वीडियो, 4 मिनट का है, उसको प्ले करते हैं। उस वीडियो को सुनिए और उसके बाद उसके बाद सर अपना व्याख्यान, पहला व्याख्यान देंगे। मेरी जी प्रोफेसर तनुजा मजुमदार जी को एक बोर्ड की मीटिंग में जाना है, तो इस बीच हम सर का स्वागत और अपनी तरफ से उपहार प्रेसिडेंसी की तरफ से प्रोफेसर उदय नारायण सिंह सर को देना चाहते हैं। प्रोफेसर तनुजा मजुमदार जी, goodbye.
forms an integral part of their people's ethnic identity. Languages hold and nurture our infinite creative diversity. But the road hasn't been easy. Across lands, so many had to stand up to defend their mother tongues and heritage. Protests, wars, hunger, and sacrifice. In 2000, UNESCO adopted 21st February as the International Mother Language Day as a tribute to the historic movement of the Bengali people to protect their mother tongue back in 1952. Today, the day is observed by nations all over the world in honor of their native tongues. अब मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर उदय नारायण सिंह सर से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना पहला व्याख्यान हमें हमारे सामने रखें। प्रोफेसर उदय नारायण सिंह। धन्यवाद ऋषि। मैं आभारी हूँ प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रण दिया है। आपको सुन के शायद हैरानी होगी कि आमतौर से पब्लिक लेक्चर में मैंने हिंदी का इस्तेमाल किया ही नहीं। मैं बंगला में बोलता हूँ या अंग्रेज़ी में बोलता हूँ या मैथिली में बोलता हूँ, क्योंकि औपचारिक रूप से हिंदी मुझे आती नहीं है, मैंने कभी सीखी नहीं है, पर कोशिश करूँगा डर डर के थोड़ा बहुत जो कुछ आता है आपके सामने रखने की। अब से करीब 49 साल पहले 49 ईयर्स अगो मैं यहाँ छात्र हुआ करता था और बंगला और अंग्रेज़ी की कक्षाएं ऊपर में हमारी होती थी और उस ज़माने में के जो हमारे अध्यापक हुआ करते थे, प्रत्येक अध्यापक आज के ज़माने में लेजेंड्स हैं, विश्वविख्यात हैं और उनके बारे में जितना कहें वो कम हुआ। जो कुछ हमें प्रेसिडेंसी से मिला है साहित्य के शिक्षण संदर्भ में, उसका थोड़ा बहुत मैं यहाँ वापस लेने आया हूँ पाणिनि व्याख्यान माला के अंतर्गत। पहला विषय है मदर व्हाई डोंट यू टीच मी और द क्राई ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स, माँ तुम क्यों नहीं पढ़ाती मुझे।
जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये सभी अंग्रेजी में होंगे, वो इसको मानकर कि शायद यहाँ इस व्याख्यान को सुनने वालों में कई लोग ऐसे होंगे जो इनको शायद हिंदी नहीं आती हो, हो सकता है बंगला विभाग के हों, अन्य विभाग के हों, ये मैंने सोचा हुआ है, इसलिए मैंने पावर पॉइंट अंग्रेजी में तैयार की है। और ये तीनों पावर पॉइंट मैं छोड़ के जाता हूँ ऋषि जी के पास, जब भी आपको मौका लगे इत्मीनान से बैठ कर इसको देखें समझें और इसके बाद में इसके बारे में थोड़ा और आगे चर्चा करें, सोच विचार करें। आपको ये सुन के हैरान भी नहीं होगी कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में आते हैं दाखिला लेते हैं वो क्लास 5 के बाद, पांचवी कक्षा के बाद और ऊपर आगे नहीं पढ़ते हैं। अब आंकड़ों की तरफ देखें तो आपको लगेगा शायद कन्याओं में 2/3 स्कूल छोड़ देते हैं क्लास 5 तक जाते जाते, और प्राइमरी और मिडिल स्टेज को अगर आप एक साथ लें तो आप देखेंगे कि 3/4 ऑफ द बॉयज एंड अबाउट 4/5 ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है भारत में? इसका मतलब यही है कि जितने लोग स्कूल में आते हैं उनमें से बहुत कम ही लोग स्कूल के बाहर निकलते हैं, तो कहीं कोई गलती तो हो रही होगी। क्या उसके साथ मातृभाषा का कोई संबंध है? मैं समझता हूँ है, यही इस व्याख्यान का मुख्य विषय है। एक जमाने में हमने सोचा था कि एजुकेशन फॉर ऑल, ई एफ ए जिसको गोल कहते हैं, यूनेस्को का गोल था ई एफ ए, आप बिल्कुल गूगल में जाके ई एफ ए सर्च करें तो आपको मिलेगा। इस दिशा में बहुत सारे देशों में बहुत सारा काम हुआ है, तो भारत में ये सोचा गया था कि ई एफ ए 2015 तक पूरा हो जाएगा। एक जो ड्रीम था भारत का कि सबके लिए शिक्षा हो, सकता है सबका विकास ना हो लेकिन कम से कम सबकी शिक्षा ये हो जाएगा। लेकिन यूनेस्को रिपोर्ट अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है 77 मिलियन चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड आर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल ड्यूरिंग द ईयर 2004 एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स ऑफ चिल्ड्रन आर इन नाइजीरिया पाकिस्तान एंड इंडिया पुट टुगेदर अबाउट 20 मिलियन। सो ये तो बहुत समस्या इससे पैदा हो सकती है जो आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, वो आंकड़ों मैं दोबारा कह नहीं रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं आंकड़े 6.9% रेट ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इसमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं, और ख़ासतौर से रूरल एरियाज में ये और भयानक, इसका इसकी छवि जो है और भयानक है क्योंकि रूरल स्कूल्स में शिक्षक भी नहीं होते हैं। कभी आप जाते हैं देखेंगे स्कूल में कि बच्चे ही नहीं हैं, कहीं से शिक्षक नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो गांव में जो स्थिति है वो और दयनीय स्थिति है। आप कितना भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपने शुरू किया है, कितना भी कुछ किया है, लेकिन ये स्थिति अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है। और जितने स्टेट्स हैं, इतने सारे जो 30 से ऊपर स्टेट्स हैं हमारे, उसमें से ख़ास तौर से बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये बच्चों की चीख, बच्चों की कन्नाहट और बच्चों के का रोना धोना आपको सुनाई देगा कि ये स्कूल में जाकर उनको लगता है कि जो उनकी भाषाएं हैं, जो उनकी मातृभाषाएं हैं, जो उनकी बोलियां हैं, वो स्कूल में बिल्कुल उनको सुनने को नहीं मिलता है और इसलिए वो स्कूल से बाहर चले जाते हैं। ये रेट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो देखेंगे तो और ज्यादा हाई है। और अगर आप इसके लेटेस्ट आंकड़े को देखें तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, थोड़ी बहुत तब्दीली आई होगी, लेकिन जो साइज एंड प्रेडिकमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो स्टिल एक ही तरह से बहुत भयानक है। मतलब इस देश में 2016 तक 500 मिलियन पीपल, मतलब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं
जिन्होंने 5 साल की स्कूलिंग नहीं प्राप्त की, ये तो बहुत भयानक मामला है। आप नॉलेज सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में नेशनल नॉलेज कमीशन बना था, उसका एक उद्देश्य यह था कि भारत को नॉलेज सोसाइटी बनाए। लेकिन नॉलेज सोसाइटी आप कैसे बनाएंगे जब आपके 50 करोड़ लोग स्कूल से बाहर हैं, स्कूली शिक्षा उनको मिली ही नहीं, तो कहाँ से उनको शिक्षा मिलेगी? तो मिनिमम एजुकेशन अगर 2/3 को नहीं मिलता है, और अगर इसको इसका परिवर्तन आप चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि आपको सिस्टम में इतना परिवर्तन लाना पड़ेगा, इतनी सारी शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जब कहाँ से पाएँ इतनी शिक्षक, इतने शिक्षक कहाँ मिलेंगे हमें? ये बात ज़रूरी है कि हम तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय इस बीच में शुरू हुए हैं, बहुत सारे भाषा विभाग में बहुत सारे अलग अलग ज्ञान के अलग अलग विभाग बने हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं पास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने हमारे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जा पा रहे हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल सर्विस कमीशन हो चाहे दूसरा कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें से निकल के बाहर पहुँच पाना, स्कूल में जा पाना बहुत कठिन है। यह भी कि हमारे स्कूल गाँव के पास में नहीं होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि गांव से बहुत दूर दूर होते हैं, और केवल 53% विलेज ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्कूल जिन गांव में हैं, अधिकतर ग्रामीण अंचल में स्कूल्स हैं ही नहीं। तो एक तो हाई ड्रॉप आउट है, दूसरा कारण यह भी है कि शिक्षक और छात्र छात्राओं का जो रेशियो है वो अभी तक सुधरा नहीं है। 1:42 धीरे धीरे चल के 1:20 आ गया है, लेकिन अभी भी एक एक क्लास में 20 से अधिक स्टूडेंट्स होते हैं। तो किसी भी कक्षा में अगर 20 से अधिक स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में तो 50-60-80 तक हो जाते हैं, एक टीचर के लिए इतने सारे बच्चों को उनके तरफ ध्यान देना, उनको पढ़ाना, उनके उनके जहन तक वो बातों को पहुंचाना बहुत कठिन काम है। कोशिश करके देख लें, बहुत कठिन काम है। एक दिन पाणिनि व्याख्यान माला में हमने 80 लोगों को बोल दिया कुछ बातें, माइक है, साधन है, सब कुछ है, पावर पॉइंट है, तब संभव है। लेकिन गांव-गांव में जहां स्कूल है, जहां पढ़ाना पड़ता है, वहां ये सब कुछ नहीं होता है। और ये बहुत मुश्किल मामला है कि ग्रॉस एनरोलमेंट तो बढ़ा है, लेकिन ग्रॉस ड्रॉपआउट भी बहुत बढ़ा है। अगर एनरोलमेंट 98% हो गया है, तो ड्रॉपआउट भी 35% हो गया है। इसका मतलब है असल में कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं, 60% ही हुआ है। एक दूसरे को दोषारोप हम कर सकते हैं, एक सरकार कहेगी ये पहले वाले सरकार की जिम्मेदारी थी, वो कहेगी नहीं उसके पहले जो थी उसकी जिम्मेदारी थी, कुछ लोग कहेंगे नहीं जो एनजीओज हैं उनकी जिम्मेदारी है, कुछ कहेंगे नहीं ये जो शिक्षकों का प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाते नहीं है सही तरह से, कुछ कहेंगे बच्चे ही आते नहीं हैं, कुछ पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो बच्चे को दूसरे काम में जोड़ देते हैं। अब हमारे साथ समस्या ये है, हमारे देश में समस्या ये है, आप देखें कि दूसरे देशों में एक बचपन का अधिकार है, राइट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू चाइल्डहुड एक है, जिसके लिए कैलाश सत्यार्थी जी इतना काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं अभी भी। तो लेकिन हमारे देश में क्या है, एक एक कैश 22 सिचुएशन है, जो सुनार है, जो लोहार है, जो सुथार है, जो जो कुछ काम करता है, जो कारीगर है, वो सब अपने बच्चों को लेके सपरिवार एक काम में जुड़ा हुआ रहता है। तो बच्चे पिताजी के पास में बैठे हुए रहते हैं, कोई चित्रकार अपना चित्र बनाता है, जो पॉटर अपना पॉटरी करता है, वो बच्चा भी उसमें थोड़ा बहुत हाथ लगा देता है। मतलब ये ट्रेडिशनली फैमिली के माध्यम से सीख जाते हैं लोग, कोई अलग शिक्षा नहीं होती है, वो जाके ही पॉटरी स्कूल में जाके नहीं सीखता है, लेकिन वो पिताजी के साथ ही काम करते करते सीख जाता है। अब आप क्या कहेंगे, क्या आप उसके बचपन को छीन रहे हैं? उसको स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन वो अभी पिताजी के साथ थोड़ी बहुत हाथ लगा के पॉटरी का काम सीख लेता, ये क्या न्याय हो रहा है? तो हमारे संदर्भ जो है, भारत का संदर्भ जो है, यहाँ
जनरली साधारणतया लिखा गया है कि वंशानुक्रमिक रूप से लोगों ने अपने पिता पितामह माता मातामह सबकी जो अपनी कलाएं हैं जो अपनी जो सीख है वो सीख लेते थे। अब जब उनको स्कूल में जाके उनको एक सिचुएशन ऐसा मिलता है जहाँ की ना शिक्षक है ना टेक्स्ट बुक्स है ना उनकी भाषा में कुछ बोली जाती है और जब उनको घर में अपने पेरेंट्स से वो शिक्षा मिल जाती है जो शिक्षक काम के लिए उपयोगी है आगे चल के उनके अपनी जीविका के लिए उपयोगी है तो क्या करेंगे लोग। तो ये एक बहुत अजीब सी स्थिति भारत में है और सिविल सोसाइटी में ये जो समस्या है इसको कैसे आप समझें कैसे इसका निदान हो कैसे इसका उसको सुलझाएं ये बहुत कठिन बात है। आप अगर ये सोचते हैं कि लोग इसके बारे में तो एक कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है ही इलाहाबाद में एक कमीशन है कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज नेहरू जी के ज़माने से ये चला आ रहा है उन्होंने ही इलाहाबाद में इसका इसकी स्थापना की थी कि आपको अगर कोई समस्या है नियम तो ये है कि अगर 10% बच्चे स्कूल में एक दूसरी भाषा बोलते हैं तो उस भाषा में भी स्कूल में आपको पढ़ानी पड़ेगी ये नियम है लेकिन इस नियम का उल्लंघन होता है। आप बीरभूम में जाएं संथाल एरिया में जाएं और देखें कि संथाली में भी शिक्षा दी जाती है कि नहीं स्कूल्स में आप देखेंगे नहीं दी जाती है केवल बंगला में ही पढ़ाया जाता है। अब वो बच्चे जो संथाल बोलते हैं गाँव में संथाली बोलते हैं वो आके स्कूल में बंगला में उनको सब कुछ कठिन जो चीज़ें हैं विषय हैं उनको बंगला में ही सीखनी पड़ती ये इतना सहल नहीं है। ये बात दूसरी है कि आप जिस माहौल पे रह रहे हैं जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ से बंगला बहुत कुछ आप सीख लेंगे लेकिन अगर ज्ञान का भाषा आपकी मातृभाषा ना हो तो बहुत कठिन है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमीशन में आप इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं लेकिन पिछले 50 साल में 50 रिपोर्ट आए हैं। आप जो क्योंकि भाषा के छात्र छात्राएं हैं कभी ना कभी आपको इन रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। वहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंप्लेन वो आता है कि जो तमिलियन है बंगाल में सेटल्ड है उसको तमिल में क्यों शिक्षा नहीं दी जाती है इस तरह के कंप्लेन है। मतलब एक मेजॉरिटी लैंग्वेज ही एक कंप्लेन के रूप में क्योंकि उस स्टेट में वो माइनॉरिटी है वो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पर जाता है लेकिन कोई हो बिहार मुंडा धागर कुरमाली ये लोग कंप्लेन नहीं करते वहाँ जो एक्चुअली माइनॉरिटी लैंग्वेजेस स्पीकर्स हैं बिहार में झारखंड में मध्य प्रदेश में बंगाल वो लोग नहीं कंप्लेन करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो ब्लेम गेम चलता रहेगा लेकिन समस्या के का सहज समाधान हमको नहीं मिलेगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि 50% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन तो शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं लेकिन बाकी 50% जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब वो ऐसी ऐसी जगहों में रहते हैं जहां उनके आसपास मेजॉरिटी भाषा भाषी बोलने वाले दूसरे तरह के होते हैं। तो जो अगर 50% मान लीजिए टोटोपाड़ा है बंगाल में नॉर्थ बंगाल में टोटोपाड़ा है टोटोपाड़ा में जो लोग टोटो बोलने वाले रहते हैं उनके स्कूल में तो आप टोटो पढ़ाएंगे उनके स्कूल में आपने व्यवस्था कर दी लेकिन जो टोटो उसके बाहर रहते हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? ये बहुत बड़ी समस्या है। अब अगर आंकड़ों की तरफ जाएं आप देखेंगे कि जो भाषाएं पश्चिम बंगाल में बोली जाती हैं करीब 28-29 अलग अलग भाषाएं पश्चिम बंगाल में बोली जाती हैं बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम संख्या में बोली जाती हैं लेकिन हैं। अब उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? और ऐसा जो है केवल बंगाल में है ऐसा नहीं हर जगह है। पीपल ऑफ इंडिया नाम का एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक समय हुआ था 2009 में उनके आंकड़े आए हैं। ये कुमार सुरेश सिंह जो IAS थे लेकिन अच्छे नृविज्ञानी थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसका निर्देशन किया था और उनके निर्देशन में बहुत सारी वॉल्यूम्स आए हैं 16 वॉल्यूम्स आए थे तो उसमें से 9वां वॉल्यूम जो है भाषा के ऊपर वहाँ आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि करीब 325 जो अधिकतर बोली जाने वाली भाषाएँ भारत में हैं उनमें से 199 भाषाएँ ऐसी हैं जो कि बहुत सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
आपने भाषा पर प्रांत बनाया तो जरूर, लेकिन ये नहीं जरूरी है कि मराठी केवल महाराष्ट्र में ही बोली जाए। मराठी स्पीकर बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में हैं। आप हिस्टोरिकल कारणों से मध्य प्रदेश में भरा पड़ा हुआ है मराठी, राजस्थान में बहुत है, गुजरात में बहुत है। ये तो मामला बाई चांस ऐसा है कि जैसे नंदुरबार एरिया है गुजरात में चला गया, लेकिन वो खानदेशी जो बोली जाती है वहाँ वो ओरिजिनली मराठी का ही एक डायलेक्ट है। तो ये समस्याएं बहुत है कि एक स्टेट में एक लैंग्वेज कॉन्फाइंड है ऐसा नहीं है, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी स्थिति में कैसे इनको समझाया जाए? आप इन कंपैरेटिव डिकेडल वेरिएशंस को देखें शेड्यूल ट्राइब्स की, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो आप गौर करें टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले में उनकी संख्या बहुत कम है, और ये कंपैरिजन आपको हर डिकेड में बढ़ता जाए। थोड़ी बहुत उनमें बढ़ोतरी हुई है संख्या में, लेकिन फिर भी टोटल परसेंटेज में उनकी संख्या बहुत सीमित है। अब उनके लिए आप क्या विधान देंगे? उनकी जो लिटरेसी रेट है वो इस तरह के हैं। लिटरेसी रेट की जो बढ़ोतरी हुई है वो जनरल पॉपुलेशन में 1961 से 2001 सेंसस में अच्छी उसकी वृद्धि हुई है, लेकिन रूरल लिटरेसी बहुत कम है, शेड्यूल ट्राइबल लिटरेसी बहुत कम है। उन दिशाओं में आप जाएं तो आपको आश्चर्य होगा कि ये समस्या का सॉल्यूशन हमने क्यों नहीं अब तक सोचा है। इनको देखते हुए कभी लगता है कि ये शिक्षा है क्या, एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एक तो यह है कि एजुकेशन में ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को कम से कम ये सिखाएं कि ऑब्जर्व कर पाए, जो भी कुछ देखें सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एब्जॉर्प्शन पावर बहुत जरूरी है। ये हो सकता है आपको कोई स्किल अच्छी आती हो, किसी किसी को एक स्किल अच्छा आता है, किसी किसी को नहीं आता, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरे से सीख लेता है। सब कुछ शिक्षक से आपको अध्यापक से नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने पीयर ग्रुप से, अपने दोस्तों से। बहुत कुछ होता है जो आपने नहीं पढ़ी है दूसरे किसी ने पढ़ी है, और आप अगर मिलके पढ़ेंगे, मिलके विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो एब्जॉर्ब करने की क्षमता। तीसरा, एक्सपैंड करने की क्षमता। जो कुछ आपने सीखा है उसको एक्सपैंड कैसे करें? आप छोटे से बच्चे हो, 14 साल का सचिन तेंदुलकर, आपने क्रिकेट सीख ली है, आपको एब्जॉर्ब करने का बहुत मौका मिला है, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, दूसरे लोगों को खेलने देखा है, अब आपको एक्सपैंड करना है, आपकी बैटिंग स्टाइल को बढ़ाना है, अच्छा करना है, ऐसा कुछ करना है जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सपैंड भी आप कर पाएंगे तभी ना आप महान बनेंगे। तो हर क्षेत्र में ये समस्या आती है कि आपको एक्सपैंड भी करना है। वर्णन करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किसी ने हिंदी एमए के बाद में ऑल इंडिया रेडियो में या नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी, अब आपको गांव-गांव में घूमना है, स्टोरीज के पीछे भागना है और उसका वर्णन देना है, तो वर्णन देने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जो आपने केवल प्रसाद निराला पढ़ा है और भाषा विज्ञान पढ़ा है उसके बेसिस पर तो ये नहीं होगा, ये तो आपको खुद को अंदर से आपके अंदर को जागरूक करना पड़ेगा कि कैसे हम इसकी बहुत रोचक ढंग से इसका वर्णन कैसे हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ लिखें, इस तरीके से लिखें जो पढ़ेगा उसको लगेगा कि हाँ इसमें एक अलग छाप है, एक अलग कुछ बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है शिक्षा में आपको मिलना। जो कुछ आपने सीखी है थियोरेटिकल नॉलेज जो कुछ आपको मिला है उसका एप्लीकेशन क्या है? आपको मान लीजिए तुलनात्मक साहित्य सिखाया गया है हिंदी विभाग में, बी ऑनर्स में, एमए में सिखाया गया। अब उस तुलनात्मक साहित्य में जो आपको तत्व मिले हैं, जो थ्योरीज मिले हैं, उन थ्योरीज का एप्लीकेशन आपने कहाँ किया है, कहाँ कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, क्या आपने उसका उसके बारे में सोचा है कभी? ये बहुत महत्वपूर्ण। मेमोरी की आवश्यकता अवश्य है, इसमें तो स्मृति का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो एक ज़माना था जब हमारे अध्यापक जितने होते थे उनको
सौ सौ कविताएं और इतनी सारी कहानियां और इतने सारे उपन्यास और इतना सब कुछ याद रहता था। आश्चर्य होके मैं देखता था अपने पिताजी को या माँ को कि कितनी कितनी मेमोरीज उनके पास होती थी। हम लोग अब थोड़ा बहुत डायरी पुरुष हो गए हैं, स्मृति पुरुष अब नहीं रहे हैं, तो हम लोग बगैर देखे हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी ही कविता याद नहीं रहती। लेकिन हालांकि फिर भी मेमोरी की अपनी अपनी जगह है, अपनी आवश्यकता है। मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया जाए वो भी शिक्षा का एक अंग ही है, एजुकेशन का अंग ही है। और स्पेशलाइजेशन, एक विशेष तरफ ध्यान देना है, खास तरफ आप अगर एप्लीकेशन करेंगे, गौर करेंगे, तो फिर आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो शिक्षा क्या है, मोटे तौर से अगर देखें, शिक्षा आपको स्वतंत्र बना देता है, मतलब आपको पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, न किताबों पे आप निर्भर करेंगे, न शिक्षक के ऊपर निर्भर करेंगे, न किसी चीज़ पर निर्भर करेंगे, आप अपने आप पर कैसे स्वयं स्वतंत्र स्वनिर्भर हो जाएंगे, वही शिक्षा है। दैट विच लिबरेट्स यू इज एजुकेशन बेसिकली, सा विद्या या विमुक्त है, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। आप पश्चिमी शिक्षा देखें या हमारे तरफ की शिक्षा देखें, दोनों तरह के शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली है, दोनों में हर विषय में यही लिबरेशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लर्निंग चीज हमारी है उसमें आप देखें कि उसमें तीन लेयर्स हैं। नीचे वाले लेयर में लैंग्वेज ब्रांचेस हैं, मैथमेटिकल ब्रांचेस हैं उसके ऊपर में, और साइंस जो है उसके ऊपर में है। अब ये साइंस, जब हम कह रहे हैं साइंस है, इसका मतलब है फिजिक्स भी है और भाषा विज्ञान भी है। इट्स नॉट ओनली द साइंस, नॉट ओनली द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। किसी भी विषय में, किसी भी विषय में आपका एक विज्ञान का छाप होता है, उसकी एक भूमिका होती है, वो सबसे ऊपर में है, और बीच में जो है आंकड़े होते हैं, मैथमेटिक्स होता है, और बेसिस जो है, बिल्कुल बेसिस जो है वो भाषा का है। तो ये तीनों लेयर हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है लर्निंग ट्री में। तो क्यों हमने कहा कि एजुकेशन इज लिबरेशन, वो इसलिए है कि आप उसके व्युत्पत्ति की तरफ देखें तो एजुकेट जो वर्ड है वो एक्स प्लस डुखे टू लीड, आउट टू लीड, मतलब आप एक लीडर बना रहे हैं, हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शक को प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब मोटे तौर पे बात यही है कि इस विभाग से एमए पास करने के बाद जो बाहर निकलेंगे हमारे विद्यार्थी, वो अपने अपने क्षेत्र में एक तरह से लीडर होंगे, अपनी अपनी तरह से बाकियों को एक लीडरशिप देने में सक्षम होंगे, बाकियों को अनुप्राणित करने में सक्षम होंगे, तभी हम यह कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड है। ये तो 1588 साल है, उसके बाद से एजुकेशन का अर्थ स्कूलिंग हो गया, लेकिन पहले एजुकेशन का मतलब ऐसा ही होता था, और हम तो ऐसे ही को इसी को मान के चलेंगे। तो बेसिकली एजुकेशन का यही मतलब है कि आप एक क्रॉसिंग पे अगर पहुंच जाते हैं, कॉलेज स्ट्रीट हैरिसन रोड के क्रॉसिंग में आप पहुंच गए, महात्मा गांधी क्रॉस पे पहुंच गए, अब आपको पता है कि हमको किस तरफ जाना है, कहाँ हमको अल्टीमेटली कहाँ जाना होगा, और वहाँ जाने के लिए हम दाएं मुड़े सीधे जाएं या बाएं मुड़े, बेसिकली इट्स अबाउट मेकिंग अ चॉइस। तो चॉइस बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा में, और ये मैं समझता हूँ कि ये चॉइस जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी चीज़ें जो शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं वो अगर आप मातृभाषा में नहीं देखें तो संभव नहीं है कि इस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे, अपने को लीडर के रूप में, क्वालिफाइड पर्सन के रूप में वो एस्टैब्लिश कर पाए। इस संदर्भ में लक्ष्मण खूबचंद नानी जी, जो कि बहुत अच्छे थिंकर थे, आपने उनका नाम अगर नहीं सुना है तो कभी गूगल करके देख लीजिएगा, आपको दुनिया भर के अलग अलग एजुकेशन के फील्ड में जो बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार्स हुए हैं दुनिया भर में, यूनेस्को के, यूएनओ के, सब में खूबचंद नानी जी का एक प्रभाव मिलेगा। उन्होंने एक किताब लिखी थी, रीविजुअलाइजिंग बाउंड्रीज,
सेज पब्लिकेशन से करीब 8 किताबें मैंने और प्रभाल दास गुप्ता जी ने एडिट किया था, जिसमें कि एक किताब खूबचंदानी जी की थी और वो उसका नाम था रीविजुअलाइजिंग बाउंड्रीज। उस पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया था प्लुरलिटी स्क्वायर। मैं उस छवि को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मल्टीलिंगुअल इंडिया की स्थिति ऐसी है कि यहाँ एक प्लुरलिटी स्क्वायर काम करता है। स्क्वायर में चारों तरफ चार कॉर्नर अगर देख लेंगे तो एक है लैंग्वेज भाषा, दूसरी कल्चर संस्कृति, तीसरा सोसाइटी या समाज, चौथा लिटरेचर या साहित्य। ये चार तरफ से ऐसे इट्स अ काइंड ऑफ स्क्वायर, इट्स काइंड ऑफ ब्लॉक। आप कोई भी परिवर्तन इनमें से एक किसी में लाएं तो सब परिवर्तित हो जाते हैं। सोसाइटी में आप परिवर्तन लाएं तो आपको देखेंगे कि लिटरेचर में भी उसका छाप मिल जाता है, संस्कृति में भी उसकी छवि मिल जाती है और भाषा में तो होता ही है। भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन ले आइए, सब में आ जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप लोगों में जिन लोगों ने पहले के क्रिकेट कमेंट्री या फुटबॉल कमेंट्री नहीं सुना होगा, हमारे ज़माने में जब ये कमेंट्री हिंदी में शुरू हुआ तो हम लोगों को शुरू शुरू में तो बहुत हंसी आई, ये बल्लेबाजी क्या है, मतलब मुक्केबाजी बल्लेबाजी जब आ गया कमेंट्री में डिस्क्रिप्शन में तो हमें लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, कमेंट्री तो अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, हिंदी में क्या कमेंट्री है। लेकिन अब आप किसी को पूछ लें जिनका जन्म उस समय से बाद में हुआ है जबकि हिंदी कमेंट्री बहुत जोर पकड़ लिया है हिंदी कमेंट्री में, आपको चॉइस करना बहुत कठिन है कि आप अंग्रेजी वाला चैनल चलाएंगे कि हिंदी वाला चैनल चलाएं। कभी कभार तो यही हो जाता है कि एक ही चैनल में दोनों में बारी बारी हिंदी और अंग्रेजी का दोनों कमेंट्री आ जाता है, क्योंकि दोनों का सुख दोनों का आनंद आप उसमें ले सकते हैं। तो शुरू शुरू में जो अटपटा सा लगता है आपको किसी भी भाषा में, लेकिन वो भाषा में वो चीज़ें आपको लानी है, भाषा में उन सक्षमताओं को आपको लाना है जिसके माध्यम से आप इस तरह का वर्णन दे सकते हैं, इस तरह के क्षेत्र में आप चल सकते हैं। आप देखेंगे अखबार खोलिए तो देखेंगे कि गुड़ चीनी लुढ़की क्या मतलब है। लुढ़कना जो है एक क्रिया के रूप में इसी विशेष संदर्भ में एक समय यूज होता था। लेकिन आप शेयर मार्केट वाला पेज खोल दीजिए ना, नवभारत टाइम्स में, जो क्या उछली और क्या लुढ़की, कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ गया कौन सा शेयर का प्राइस घट गया, वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको वो नए नए शब्द संचय उसका यूज आपको मिलेगा। तो जब शेयर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आ जाते हैं जो प्लेयर्स अंग्रेजी वाले नहीं हैं, हिंदी वाले प्लेयर्स हैं, तो नेचुरली हिंदी में वो दम आ जाता है कि वो डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है। तो मतलब सोसाइटी में बिजनेस स्ट्रेटजीज में और बिजनेस एरिया में अगर आपने ये परिवर्तन लाए, तब्दीली लाई, तो नेचुरली भाषा में भी उसका एक छाप आपको मिलेगा ही मिलेगा और साहित्य में भी तो मिलेगा ही उसका छाप। मातृभाषा के साथ समस्या ये है कि मातृभाषा को सेंसस ने 1881 के समय से अब तक बहुत बार बहुत तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है और कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में इसी कारण से है। कभी कहा गया है वो ऑर्डिनरली स्पोकन लैंग्वेज जो है हाउस होल्ड में, कभी कहा है जो क्रेडल में मिलता है बच्चों को, जो हम क्रेडल में ले आके शुरू में एकदम देखते हैं उस समय जो बोली बोली जाती है वही उसकी मातृभाषा है। कोई कोई कहता है माँ की भाषा जो है वही मातृभाषा है। अब जैसे हमारे जैसे लोगों के साथ धर्म संकट ये है कि पितृभाषा कुछ और है, मातृभाषा कुछ और है, काम की भाषा कुछ और है, बाहर की भाषा कुछ और है, क्या करेंगे आप? 4-5-6 भाषाओं में आप एक साथ ऑपरेट करते हैं, क्या मातृभाषा है? किसको आप मातृभाषा बोलेंगे और किसको आप द्वितीय भाषा बोलेंगे, किसको विदेशी भाषा बोलेंगे? ये बहुत कठिन है निर्णय करना, इसलिए मातृभाषा के साथ ये समस्या तो है। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक बोझ है हमारे लिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक एसेट है हमारे लिए। मैं समझता हूँ मल्टीलिंगुअलिज्म एसेट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कितना अच्छा होता अगर पूरे देश में एक ही भाषा बोली जाती, एक ही लिपि में लिखी जाती सब कुछ, लेकिन कितना बोरिंग हो जाता है। पूरे देश में अगर एक ही लिपि चलती
और एक ही भाषा चलती है तो बोरिंग हो जाता है। हाँ, कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप एक बार बंगला फिल्म देखें, हिंदी फिल्म साथ पास में रख के देखें और मलयालम फिल्म देखें, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कलर स्कीम से लेके ड्रेस, ऑर्नामेंट, डिजाइन, मूवमेंट, स्टोरी, स्पीड, सब कुछ अलग तरह के है और तीनों में दम है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल संजय लीला भंसाली में ही सुंदर कुछ देखने को मिलेगा। आप अगर बंगला में माछिल झोल देखते हैं आपको गजब का फिल्म लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी बंगला में भी ऐसा बनता है। और कहाँ है सतीत रे, किनका फिल्म है, रे का फिल्म है कि मृणाल सेन का फिल्म है कि तपन सिन्हा का फिल्म है? नहीं, अब नए नए लोग आए हैं, नए नए युवा पीढ़ी के लोग आए हैं, इतना अच्छा अच्छा फिल्म बना रहे हैं एक एक फिल्म जो है। और उसमें भी कमर्शियल फिल्म भी जो है उसमें भी जो कैमरा वर्क है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, सब में बिल्कुल परिवर्तन आता है। मतलब ये है कि मल्टीलिंगुअलिज्म से कोई बुरी बात नहीं हुई हमारे देश में, कोई खतरा नहीं है, वो ऐसे ही है हमारे लिए, ये बहुत मानना जरूरी है। और लिंग्विस्टिक लैंडस्केप जो हमको दिखाई देता है, अगर किसी भी बहुभाषी क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, दुकानों के तरफ हम देख रहे हैं, नोटिस बोर्ड में देख रहे हैं, ये जो कई भाषाएं हमको मिलती हैं कोई बुरी बात तो नहीं है। यूरोप में भी ऐसा मिलता है, तो हम तो मिनी महादेश हैं, ऑलमोस्ट लाइक होल कॉन्टिनेंट इन इंडिया। तो एवरेज बाइलिंगुअलिज्म फिगर, मैं तो पुराना फिगर आपको दे रहा हूँ यहाँ कि 19% है बाइलिंगुअलिज्म और 9% या 10% है ट्राइलिंगुअलिज्म, लेकिन अभी का आंकड़ा जो है 2001 में एक दूसरा आंकड़ा आया है वो अगर देखें और काफ़ी बढ़ा है। मतलब तेजी से लोग बहुभाषी भारत में अगर नहीं भी थे तो बन रहे हैं। एक उदाहरण प्रबोध पंडित जी ने दिया था बॉम्बे में स्पाइस मर्चेंट का, वो उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। उदाहरण ऐसा था कि ये जो स्पाइस मार्केट बॉम्बे में मसाले का मार्केट है उसमें ज्यादातर चलती है कोंकणी। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो कोंकणी में अगर बात नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका नहीं बनेगा, आप कहीं के भी हो। और बिजनेस करने वाले ज्यादा कच्छी होते हैं, वो कच्छ से आते हैं, कच्छी में बात करते हैं, गुजराती जानते हैं, ठीक है। बाहर जाएंगे स्ट्रीट में तो मराठी उनको बोलना ही पड़ेगा, बगैर मराठी का तो काम नहीं चलेगा वहां। फिल्म देखने जाएंगे तो हिंदी फिल्म चलती है हॉल में, और जब वो रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं घाटकोपर के लिए जाते हैं विक्टोरिया टर्मिनस से, तो उस जमाने में 1950s की बात हो रही है, सब जो टिकट चेकर से लेके टिकट सेलर्स वगैरह सब एंग्लो इंडियंस होते थे, वो अंग्रेजी में थोड़ी फूटी अंग्रेजी और हिंदी मिला के बात करते। तो मतलब कुल मिला के मसाले मार्केट वाला जो आदमी है उसको भी 6 भाषाएं बोलनी पड़ती है। हर क्षेत्र में आप जाएं, यहाँ दक्षिण कलकत्ते में आप लेक मार्केट में जाएं और जो स्टोर्स हैं वहाँ जाएं ना, देखें वो जो मारवाड़ी बिजनेस कर रहे हैं वो 16 भाषा में बात करते हैं। जैसे जैसे उनके कस्टमर आते हैं उनसे उस तरह से ही बात करते हैं। अब उनको अगर कहें आप उस भाषा में जिसमें तमिल में आप बात कर रहे हैं तमिल कस्टमर के साथ, तमिल में आप एक गाना गा लो, तमिल में एक कुछ कविता लिख दो, वो नहीं कर पाएंगे। वो उतना ही उनको आता है जितना उनके मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए काम में आता है, बिजनेस के लिए काम में आता है। तो इस तरह से भारत में मल्टीलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म, ट्राइलिंगुअलिज्म, ये इस तरह से ही चलता है। तो स्पीच वेरिएशन कोई नई बात नहीं है। जो भी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हो भारत में, 114 हो, चाहे 216 हो, चाहे 401 हो, अलग अलग आप प्रांत में अलग अलग मेथड्स में जाएंगे तो अलग अलग भाषाओं की संख्या आपको मिलेगी। लेकिन हम लोग जो रैशनलाइज करते हैं लैंग्वेजेस को तो उसमें देखते हैं कि करीब 3,500 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ मातृभाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। करीब 1600 से ऊपर में ऐसी मातृभाषाएं हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनको हम जानते ही अलग अलग मातृभाषाएं। 1735 और ऐसी अन्य भाषाएं, अन्य मातृभाषाएं हैं जिनके बारे में अभी तक स्टडी हुई नहीं है। मतलब कुल मिला के 3,500 मातृभाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अब ये जो महान एक देश है, महादेश है, इसमें कितनी भाषाएं ऐसी हैं जिसमें कि हम साहित्य देखते हैं या लिखने की क्षमता होती है। एक सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने 114 उस समय सेंसस में जो बड़ी भाषाएं थी 10,000 से ऊपर जिनके स्पीकर्स हैं
उनमें से 96 को उन्होंने कवर किया था और देखा गया कि 50 में साहित्य है, 50 में लिखित कुछ है, अखबार है, साहित्य है, सब है। तो ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा देश है जहां लिखित भाषाएं भी 50 से ऊपर हैं। जो स्कूल की भाषाएं हैं वहां भी 58 या 69 भाषाएं पढ़ाई जाती रही है। NCERT का एक आंकड़ा आता है स्कूल एजुकेशन के ऊपर में, उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भाषाएं अभी तक स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। एक न्यूज़पेपर का जो अपना उनका जो संगठन है उसका एक रिपोर्ट आता है RNI का, उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कितनी भाषाओं में अखबार निकलते हैं, लिटरेरी मैगजीन्स निकलते हैं, उसमें भी तो 35 में निकलते हैं। और ये नहीं ज़रूरी कि अंग्रेज़ी का जो न्यूज़पेपर है वही सबसे ज़्यादा चलता है, नहीं, वो हिंदी का चलता है ज़्यादा, जागरण वगैरह जो बहुत ज़्यादा उनके सेल्स फिगर हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और रेडियो नेटवर्क में देखें तो 146 ऐसी बोलियाँ हैं, मातृभाषाएँ हैं जिसमें कि रेडियो प्रसारण करता है। तो अब ये है बहुभाषी भारत जिसमें कि इतनी सारी भाषाएं स्कूल में बोली जाती हैं, इसमें हम रुकेंगे नहीं। यहाँ तो प्रॉब्लम ये एक देखा गया, एक समय ये सोचा गया था कि ये जो भारत की इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी संस्कृति है, ज़रूर इसमें क्लैश होगा। एक प्रोग्नोसिस भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त कर रही थी उसमें ये हुआ कि आगे चल के इनमें बहुत बड़ा एक युद्ध होगा, भाषाओं का युद्ध होगा, भाषाओं की लड़ाई होगी। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये लड़ाई छिड़ जाए, लेकिन अभी तक ये छिड़ी नहीं। भाषाओं में ज़्यादा कोऑपरेशन हुआ, भाषाओं में ज़्यादा अनुवाद हुआ, एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया हुई, लेकिन ऐसा कुछ रायट नहीं हुआ। लैंग्वेज रायट्स बोल के ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ लैंग्वेज रायट्स के नाम पे हुआ है वो एक्चुअली बेसिकली फाइट फॉर कंट्रोल ओवर स्केयर्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, उसके लिए जो फाइट न हुआ। तो यूनेस्को में ये देखा गया कि 1953 में, 1978 में, 2001 में तीन रिपोर्ट्स आई हैं। तीनों रिपोर्ट में ये कहा गया मातृभाषा ही श्रेष्ठ माध्यम है पढ़ने पढ़ाने का, एजुकेशन का। तो इसलिए अब ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक समस्या तो भारत में है कि कैसे मातृभाषा के माध्यम से या मातृभाषा को कैसे हम स्कूल में प्रतिष्ठित करें। लेकिन चूँकि एक सोसाइटी को अगर डेवलप करना है तो आपकी माँ की भाषा को डेवलप करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको भाषा की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। और ये संपूर्ण ध्यान केवल सरकार दे ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ ध्यान तो उस उन भाषा को बोलने वाले, लिखने वाले, उसमें व्यवसाय करने वाले, वाणिज्य करने वाले, या उसमें फिल्म बनाने वाले, उसमें नाटक करने वाले, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है। ये सब मिल के ये साझेदारी से उसको निभाएं तो भी ये संभव है। बहुत समय ये होता है सोचते हैं कि कौन छापेगा, अगर छोटी छोटी भाषाओं में लिखी जाएगी तो उसका उसको मुद्रण कौन, उसका भार कौन, व्यवहार कौन उठाएगा, ये एक समस्या तो है। लेकिन अब जाके ये भी देखते हैं कि कभी कभी जैसे बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है असेंस फिल्म को दो चार साल पहले, जो कि बेसिकली एक शार्दुप्पेन स्टोरी है। एक शार्दुप्पेन बोलने वाले लिखने वाले व्यक्ति जो कि ईटानगर में रहते हैं और वहाँ कल्चर मिनिस्ट्री में काम करते थे, उन्होंने शार्दुप्पेन की स्टोरीज को रीटेलिंग किया है, उनके डायलॉग्स उसी भाषा में, उपभाषा में, मातृभाषा में है, उसको एसएमईज में रिटेल किया है स्टोरी को, उसको लेके उन्होंने फिल्म बनाया, वो फिल्म नेशनल अवार्ड मिला। तो अब तो ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी भाषाओं से, मातृभाषाओं से निकल के आ रही हैं, कविताएँ, कहानियाँ ऐसी आ रही हैं जो कि छोटी छोटी भाषाएँ हैं लेकिन उनमें बहुत दम है। अगर आप इसकी तरफ ध्यान ना दें तो क्या है, क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? तो जो नुकसान होगा उसके बारे में ये कहा गया है, ज़ेपेलिन हिल ने कहा है, दिस वास्टली रिड्यूस्ड रिजर्वायर ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, एनॉर्मस स्टोर हाउस ऑफ एक्सप्रेशन पावर, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, लॉस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट हैव ऑलरेडी पास्ड इनटू हिस्ट्री इज एन इंटेलेक्चुअल कैटास्ट्रॉफी। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो गई है और इसको हमको किसी न किसी तरह से रोकना पड़ेगा। छोटी छोटी भाषाओं में जो बोलने वाले हैं दे आर लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन, वो मुक्ति चाहते हैं। आप भी एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि आपको मुक्ति चाहिए,
आपको लिबरेशन चाहिए, लेकिन ये लिबरेशन ये छोटी छोटी भाषाएं बोलने वाले जो हैं उनको भी चाहिए। तो एज स्टेक होल्डर्स ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, क्या हम इनको मुक्ति दिला सकते हैं, कैसे दिला सकते हैं, यही समस्या है। अंतिम स्लाइड है टू कंक्लूड। एक पुराना चाइनीज प्रोवर्ब है, बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। बहुत कुछ चाइनीज खराब होता है मुझे पता है, लेकिन कुछ कुछ चाइनीज वाइज सेइंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। दिस इज अनदर प्रोवर्ब, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, शो मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। The cause of mother tongue education and pedagogy is an easily forgotten cause, but if we give up, we shall reach nowhere in a plural society. Thank you. पहले व्याख्यान के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए 5 मिनट के लिए। इस बीच आप एक दो सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर लीजिए, चाहे अगर आ गई है तो चाहे फिर भी हम लोग चले जाएंगे, और अगर चाहे नहीं आई आ रही है तब तक आप सवाल कीजिए। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि आज विश्व स्तरीय होने के लिए बहुभाषिक होना बहुत आवश्यक है, लेकिन कहीं बहुभाषिक होते होते हम किसी एक भाषा को बहुत अच्छी तरह सीख नहीं पाते हैं, ये भाषाओं के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। सौरभ गांगुली फुटबॉल में भी इंटरेस्ट लेता है, लेकिन क्रिकेटर अच्छा नहीं है ऐसा तो कोई कहेगा? वो अगर आप उनको देखेंगे ट्रेनिंग के लिए, वो फुटबॉल में भी पूरा मैच डिज़ाइन कर देता है किस तरह से आपको गोल करना है, किस तरह से आपको पास करना है। तो सवाल ये नहीं है कि आप एक भाषा बहुभाषिक होते होते किसी एक भाषा में आप माहिर नहीं होते। आप जो आपकी मातृभाषा है अगर उसकी चर्चा आपने की है और उसकी उसमें उसके प्रति आपका प्रेम है, लगाव है, तो वो तो आपके अंदर में, आत्मा के अंदर में बस गई है, उसको तो वहाँ से उखाड़ के निकालना, बाहर फेंकना बहुत मुश्किल है। अब उसके अतिरिक्त और भाषाएं अगर आपने सीखी है, जैसे मैंने हिंदी तो सीखी नहीं है, जो आप लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं, मेरे घर में पिताजी और माँ हिंदी के अध्यापक थे, वो आपस में हिंदी में कभी कभी बात करते थे। हमारे यहाँ हिंदी के बहुत मूर्धन्य साहित्यकार आके टिक जाते थे, हरिहर प्रसाद द्विवेदी आते थे, नागार्जुन आते थे, हमारे घर में रहते थे, तो उनसे जो हिंदी हमको थोड़ी बहुत सुनने को मिली है, उसी के बल भरोसे पे हम थोड़ा बहुत आपसे बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। तो अदरवाइज तो आई डोंट नो हिंदी, तो लेकिन उसके चलते हमारी मैथिली कोई दुबली पतली नहीं हो गई है, या हमारी बंगला कोई ख़राब नहीं हुई है, मोर देन एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि आपको अगर परेशानी लगे कि अच्छा आपको अंग्रेजी में भी हम बोलना है, अब तो हमको हिंदी में बोलना पड़ेगा, क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है, जो ये मेंटल स्टेट है एक्चुअली। हमको नहीं लगता है कि बहुभाषी होने में किसी एक भाषा में आपको कोई क्षति हो जाएगी, उसमें इजाफा ही होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। मैं तो जब पाकिस्तान में बोलता हूँ जाके, वो बोलते हैं आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, मुझे तो उर्दू आती नहीं है, मैं उर्दू काउंसिल का मेम्बर भी हूँ। लेकिन जो होता है इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई कमी कुछ नहीं है इसमें। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि बहुभाषी होने में
किसी एक भाषा के ज्ञान में नुकसान हो जाता है, वो ऐसा नहीं होता है। और कोई सवाल? धन्यवाद सर इतने अच्छे व्याख्यान के लिए। आपने अपने व्याख्यान में एक जगह उल्लेख किया है कि जो मतलब माइनॉरिटी लैंग्वेज वाले हैं वो अपना कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाते, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है कि जो छोटे मोटे हैं अदर स्टेट से आके यहाँ पे हैं वो अपना कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं लेकिन जो माइनॉरिटी लैंग्वेज वाले हैं वो अपना कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाते, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? मैं केवल अंदाजा लगा सकता हूँ कि कारण क्या है। कारण यह भी है कि ये जो आपका राइट है, अब यहाँ उपस्थित जितने स्टूडेंट्स हैं उनको अगर पूछे हम कि भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और भारत का नेशनल लैंग्वेज क्या है, सब लोग बोल पाएंगे? आप तो भाषा के छात्र छात्रा हैं, लेकिन सब लोग जानते नहीं हैं कि हमारा राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन क्या है। ये सबको, ये ज्ञान सबको नहीं है। और जो छोटी छोटी भाषाओं के बोलने वाले हैं वो तो कंप्लेन का लैंग्वेज ही नहीं जानते। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आपने ये निश्चित कर दिया है कि कोई भी अगर चाहे तो अपनी मातृभाषा में कोर्ट के पास जाके, सरकार के पास जाके कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उस कंप्लेन को पढ़ेगा कौन? आपने संताली में कंप्लेन लिख के, ढोपो में कंप्लेन लिख के, लिंबू में, लेपचा में कंप्लेन लिख के पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया। अब वो लेपचा पढ़ के उसके बाद एक्शन लेगा कौन? लिया ना, आसान नहीं है। तो एक कारण ये भी है, बहुत लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, हमारे कंप्लेन करने से कुछ होगा ही नहीं। कुछ तो लोग सुस्त हो जाते हैं इस ये सोच के कि कंप्लेन से कोई फायदा ना है। कुछ लोग जानते नहीं कि कैसे कंप्लेन किया जाए, कुछ लोग ये नहीं जानते कि इनके पास कंप्लेन किया जाए। तो ये अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। हमारे जो विभाग है, भाषा विभाग है, भाषा विभाग में अन्य भाषा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। आपने मान लीजिए हिंदी में एमए कर लिया, ठीक है, आप हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में अच्छी तरह से आप जानते हैं, क्योंकि आप बंगाल में बाई चांस हैं, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बंगाल में है, हो सकता है आप बंगाल के जो अच्छे साहित्यकार उनको भी आप जानते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप उड़िया के महान साहित्यकार को जानते हैं, असमीज के महान साहित्यकार को जानते हैं। आपको हो सकता है शंकरदेव के बारे में पता ही ना हो, मैक्सिमम आप जानेंगे तो विद्यापति को जान लेंगे। लेकिन मान लीजिए जो राजस्थान के महान साहित्यकार हैं वहाँ का जो लोग साहित्य है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कहाँ से जानेंगे? तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी मतलब भाषा केंद्र जहाँ जहाँ है वहाँ भी हमको ये अवेयरनेस नहीं मिलती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे जो छोटी छोटी मातृभाषाएँ हैं उनके जो लीडर्स होंगे, उनके जो वेलविशर्स होंगे, वो इलाहाबाद में कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को लिखेंगे? इस बारे में बहुत बार चर्चा हम जो कमिश्नर रह चुके हैं कई बार, अब थोड़े दिन पहले सेठी साहब थे कमिश्नर, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हमारे बहुत बार हमारी बातचीत हुई है कि क्यों नहीं होता है, ये कंप्लेन आता क्यों नहीं है, जहाँ से आना चाहिए वहाँ से क्यों नहीं आता। तो ये कारण है, इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। तो अब दूसरा जो है बोलियों का, दूसरा बोलियों का विषय था, दूसरा विषय कौन सा था? बोलियों का विषय हमारे एक सहयोगी अध्यापक थे प्रोफेसर अंजनी कुमार सिन्हा, उनकी एक कहानी याद आ गई। उन्होंने कहा था कि पटना में उतरे और रिक्शा वाले को बोला भाई सचिवालय ले चलो, तो बोला ये कौन सी जगह? तो जब समझाया गया कहाँ जाना है तो सेक्रेटेरिएट बोलिए ना,
ये समस्या जो आपने कहा वैसा ही नहीं, हर जगह है। तो ये अनुवाद की भी समस्या है और जो शब्द प्रचलन की भी समस्या है। कुछ कुछ चीज़ों से लोग परिचित होते हैं, उसको भी अगर हम अनुवाद करना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हमने फिजिक्स को पदार्थ विद्या कह दिया कहीं किसी भाषा में, कहीं भौतिकी कह दी, लेकिन फिजिक्स को फिजिक्स भी रहने दें तो कोई खतरा नहीं है असल में। तो अनुवाद जो 1962 में जो कंपेंडियम ऑफ ग्लॉसरीज जो निकला हिंदी के लिए, इतनी बड़ी करीब 1500-2000 पृष्ठ की, उसमें इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स भी हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण कमेटी ने उसका निर्माण किया था बहुत सोच विचार के बाद में, लेकिन ये समस्या अभी भी मौजूद है। अब इस व्याख्यान में बोलियों के अभिशाप के बारे में मैं बोलना चाहता था। मेरी पहली किताब आई थी जब मैं 15 साल का था, 1966 में, और उस किताब में कवय वदंती जो किताब है, जो कि अभी मैथिली के एमए के कोर्स वर्क में भी है, बहुत जगहों में मैथिली एमए में किताब पढ़ाई जाती है, तो उस पर मेरी एक कविता थी अनुस्वार विसर्ग। तो वहां मैंने ये कहा था कि अनुस्वार और विसर्ग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है समाज में, सब व्यस्त हैं स्वर और व्यंजन को लेकर। स्वर हल्ला मचा सकता है, उसके बिना कुछ काम चलता ही नहीं है, वो जरूरत पड़े तो राजनीति करता है, जरूरत पड़े तो समाज को लीड करता है, और व्यंजन जो है बगैर उसके तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो जरूरी है हर वाक्य में हर शब्द में। लेकिन बेचारे अनुस्वार और विसर्ग, लोएस्ट ऑफ द लोली, उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? तो ये सवाल ये है कि बोलियां क्यों, उनको बोलियां कहते हैं, बोली क्यों कहते हैं? बोली इसलिए कहते हैं कि उस उनमें लेखन का, लिखित रूप का कोई ट्रेडिशन नहीं बना है। वो जो कुछ करते हैं, कहते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब ओरल ही है। तो लिटरेसी जो बात, साक्षरता की बात जब हम करते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा अंश ओरल सी पे विश्वास करता है, लिटरेसी पे नहीं विश्वास करता है। ये जरूरी है कि राइटिंग वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन, कोई शक नहीं है, क्योंकि राइटिंग की एक क्षमता होती है। आप अगर भाषा विज्ञान पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि चार्ल्स हॉकेट ने जो 14 विशेषताएं भाषा के बारे में, डिफाइनिंग लैंग्वेज इस संदर्भ में कही थी, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भाषा का एक करेक्टरिस्टिक्स है रैपिड फेडिंग। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कुछ कहा, पहला भाषण अब तक फेड हो गया, अब इस कमरे में नहीं है, वो गायब हो गया। हो सकता है किसी किसी के मन में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो रैपिड फेडिंग, जो भी कुछ हम बोलते हैं वो फेड हो जाता है। राइटिंग जो है इस रैपिड फेडिंग को अरेस्ट करता है, कि गांधी जी ने जो कुछ कहा है, कुछ लिख के भी कहा है, टैगोर ने कुछ जो कहा है वो लिख के भी कहा है, क्योंकि लिखित रूप में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, इसलिए वो फेड नहीं हुआ अभी तक है हमारे पास। लेकिन केवल अगर ओरल बोलते सब कुछ तो अब तक फेड हो जाते। तो राइटिंग की डिस्कवरी जो हुई थी, राइटिंग का जो आविष्कार हुआ था, लेखन का, लेखन लिखनावली का, वो हमको ये रिकॉर्ड करने में महान सहायता करती, जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसके रिकॉर्ड हम कैसे करें, और जो कि कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए वाचिक पर्यावरण जो है उसमें
दृश्य का एक अपना स्थान है, केवल श्रव्य का स्थान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप गौर करें कि मार्शल मैकलुहन ने एक किताब लिखी थी 1962 में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए, गूगल करिए, देखिए ये किताब अवेलेबल होगी उसमें, और इसके बारे में बहुत कुछ अवेलेबल होगा। मैकलुहन 1962, द गुटेनबर्ग गैलेक्सी। साहित्य के छात्र जितने हैं उनके लिए बहुत जरूरी है किताब पढ़ना। तो उन्होंने क्या दिखाई कि हमारे समाज में हम अलग अलग ईरा से गुजर चुके हैं। पहला ईरा जो है वो एकुस्टिक ईरा था, सुनने सुनाने वाली ईरा था। जो कुछ होता था लोग बोलते थे और लोग सुनते थे और याद रखते थे, एकुस्टिक ईरा। उसके बाद लिटरेसी ईरा शुरू हो गई, जो राइटिंग का आविष्कार हो गया तो लोग उसको लिख भी लेते थे, चाहे वो गुहा में जाके अपना लिखते थे या चाहे मैनुस्क्रिप्ट में पांडुलिपि में लिखते थे, जैसे भी हो लिख लेते थे। तीसरे दौर पे प्रिंट ईरा शुरू हो गया, जब उसको छापने लगे, मुद्रित रूप से वो लेखन जो है आपके सामने आ गया। पहले क्या होता था कि एक पांडुलिपि का हम कॉपी करते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, प्रोफेशनल स्क्राइब्स होते थे, वो एक ही पांडुलिपि के 150 कॉपी बनाते, जिंदगी बिता देते थे, और वो फिर वो 150 कॉपी 150 अलग अलग जो नॉलेज सेंटर्स हैं, चाहे वो न्याय का हो, वैशेषिक का हो, मीमांसा का हो, वो फैल जाता था। अब उसकी पढ़ाई उस तरह से होती थी, उस किताब से होती थी। लेकिन जब मुद्रण का ईरा आ गया, प्रिंट ईरा आ गया, तो एक दूसरा ही दौर बन गया कि एक ही साथ इतने सारे बाइबल की कॉपी आपको लोगों के पास पहुंच गया, रामायण की कॉपी पहुंच गई, गीता प्रेस गोरखपुर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, आपको पता ही है, 1 रुपये में किताबें मिलती थी, गीता बहुत बड़ा काम उन्होंने, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, और नागरी पिछाड़ी सभा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है कि लोगों को आसानी से प्रिंटेड बुक्स पहुँचाएँ। चौथा ईरा जो है, जो अब आप स्मार्टफोन ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ईरा आ गया, अब बात और है, अब तो इतना सारा लिंकअप हो गया सब कुछ कि आप इसमें सुन भी सकते हैं, तस्वीर भी बना सकते हैं, थोड़ा ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रैपिड फीडिंग को गोली मारो, इसमें से सब कुछ आपको सब सुविधाएं इसमें मिल गया, तो इलेक्ट्रॉनिक ईरा शुरू हो गया। तो ये 4 स्टेजेस हमारे पास हो रहे हैं, एकुस्टिक ईरा, लिटरेसी ईरा, प्रिंट ईरा और इलेक्ट्रॉनिक ईरा। ये जो 4 स्टेजेस के हम किस माध्यम से हम गुजरे हैं, इसी के चलते ओरल के ऊपर में या ओरल के ऊपर में रिटन हावी हो गया। तो ये दोनों में जो फाइट शुरू हुआ कि ओरल कल्चर में और रिटन कल्चर में, इसमें रिटन कल्चर की जीत हुई। अब सवाल ये, बोलियां जो हैं वो तो ओरल कल्चर की हैं और लैंग्वेजेस जो हैं वो तो रिटन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस के संदर्भ में या बोलियों के संदर्भ में कई बार आपने सुना है, जब आप किसी भाषा की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं क्या उसमें कोई स्क्रिप्ट है अलग, ये भूल जाते हैं कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का संबंध अन्योन्य संबंध नहीं है। एक ही स्क्रिप्ट में बहुत सारी विश्व की भाषाएं मुद्रित होती हैं, जैसे रोमन स्क्रिप्ट है उसमें स्पेनिश भी छपती है, फ्रेंच भी छपती है, अंग्रेजी भी छपती है, जर्मन भी छपती है, तो क्या हुआ स्पेनिश का फ्रेंच का अगर अलग स्क्रिप्ट नहीं है तो कौन सा नुकसान हो गया, ये बात कोई नहीं पूछता है। देवनागरी में अभी इस समय भारत की 11 भाषाएं छपती हैं, डोगरी से लेकर कोंकणी तक, कि मात्र हिंदी का अधिकार नहीं है उस पर, देवनागरी और हिंदी अलग चीज है। तो इसलिए लिपि के साथ भाषा का अन्योन्य संबंध नहीं है, ये अलग बातें हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि लिखित भाषाएं कथित बोलियों पे हावी हो गई हैं। एक जमाना था जब प्राण जाए पर वचन न जाए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब वो बात नहीं है, अब तो बोलते हैं आप लिख के दो, मुझे लिखित रूप से दो, तब हम मानेंगे कि
कि आपने ये ऑर्डर पंजाब नेशनल बैंक से 11,000 करोड़ देने का दिया है, तब ना मानेंगे। खाली ओरली ओरली आपने कह दिया तो हम कैसे मानेंगे उसका। पहले सवाल था शतक बदल माल लिखो, लेकिन अब जो है वो लिख के देना पड़ेगा आपको। तो ये कॉग्निटिव चेंज एक हो गया है, हम जिस तरह से समझते हैं उसको समझने में एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव चेंज हमको अब ध्यान में आ रहा है। अब जो टीचर्स हैं, अभी के जो टीचर्स हैं, उनकी प्रमोशन ही नहीं होगी जब वो छापेंगे नहीं प्रपत्र। जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, जब तक वो मुद्रित होकर नहीं आएगी तो उनके बॉस बोलेंगे कि आपने तो कुछ दिखाया नहीं हमको कि आपकी किताबें क्या आई हैं, आपके निबंध क्या आए हैं, दिखाइए। जो छात्र हैं वो बोलते हैं, टीचर के पास जाके बहुत अच्छे डिस्कशन करते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाते हैं, लेकिन टीचर बोलते हैं नहीं भाई, इसको तुम अगर लिख के नहीं बोलोगे तो इसकी तो कोई अहमियत है नहीं, ये तो हवा हो गई, थोड़ी देर तुमने डिस्कस किया हमारे साथ बात गए, लेकिन आप लिखित रूप से दो। फायदा ये हुआ कि पहले होता था ये कि मैं एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन करता था, गुरु है और शिष्य है, या दो चार शिष्य हैं, द्रोणाचार्य के दो चार शिष्य हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 पांडव हैं और 2-4 कौरव में से भी हैं, तो उनको हमने सिखा दिया। अब ये बारी आ गई कि हमने एक किताब लिख दी, वो 1,000 लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, और वो 1,000 लोग हमारे जीते जी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे मरने के बाद भी पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि मुद्रित जो पृथ्वी है, प्रकाशित जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का लॉजिक दूसरा हो गया, तो कॉग्निशन ही दूसरा हो गया, समझने की बात ही दूसरी होगी। मैंने एक कविता लिखी, उसका एक व्याख्या आपने की, ऋषि ने की, और दूसरी व्याख्या तनुजा जी ने की, और तीसरी व्याख्या कोई और करे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत तरह का हुआ है, आपको अगर नहीं पता है तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप ज़रूर गौर करें, देखें। गालिब के ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ, एजाज अहमद की एडिटेड एक वॉल्यूम है, उन्होंने क्या किया था कि गालिब की कविताओं को लेके, वो पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट में है तो उन्होंने उसको रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखा, रोमनाइज किया, और उसके बाद में हर शब्द के लिए एक वर्ड टू वर्ड ग्लॉसरी, वर्ड टू वर्ड एक ट्रांसलेशन कर दिया, और एक ओवरऑल, नॉट पोएटिक, ओवरऑल ट्रांसलेशन कर दिया, करके 35 अमरीकी कवियों को भेजा, और इन कवियों को कहा कि इन कविताओं में, गालिब की जो 50 कविताएं हैं, इनमें से आपको जो अपील करे उसको आप जिस तरह से मर्जी अनुवाद करना चाहे, रिटेल करना चाहे, आप बोलिए, दोबारा लिखिए इसको अंग्रेजी में। तो हुआ ये, किसी को 5 अच्छे लगे, किसी को 10 अच्छे लगे, किसी को 6 अच्छे लगे, सबने अपने अपने अनुवाद किए। फिर उन्होंने शिकागो में एक मीटिंग अरेंज की, जबकि ये 35 कवि जो कि जानते नहीं थे कि क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, वो मिले एक दूसरे से। अब थॉमस फिजिमोंस, एड्रियन रिच, जो अच्छे अच्छे नामी अंग्रेजी के कवि थे जिन्होंने कभी अनुवाद जिंदगी में किया नहीं, उन्होंने भी गालिब का इस तरह से भाषांतरण किया है, और एक साथ जब मिले तो इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, वो अब अंग्रेजी में 6 तरह से आ गए, मतलब 6 इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम पॉइंट ये आ गया। देखिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट था वो। तो अब ये है कि ये तो आम बात है, आजकल कोई भी एक उपन्यास ले लीजिए, कोई भी एक कहानी ले लीजिए, उसका कितना सारा, कितनी सारी व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी। ये तभी संभव है कि ये प्रिंटेड वर्ल्ड विजुअल वर्ल्ड को अपने अपने ढंग से समझने समझाने का की स्वाधीनता हमको देती है। सो अब इंद्रिय जितने हैं हमारे पंचेंद्रिय, उनमें से आप जो दृश्य वाला इंद्रिय है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप देखें कि स्पेस पोएट्री वाली भी एक बात आ गई, अपने एपोलोनियन से देके लेके जब आपकी कविता आप पढ़ते पढ़ाते हैं, आई एम श्योर आपने जैसे बहुत सारे लोग कविता पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो उसमें स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कविता को किस तरह से लिखा है, लाइन डिवीजन कैसे की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अनुवाद भी करेंगे तो आपको अपनी तरह से अपनी लैंग्वेज में जो अपीलिंग है उस तरह से लाइन डिवीजन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हो जाती है। विजुअल साइंस हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सिंबल्स साइंस दे बिकम वेरी प्रोमिनेंट। एक जमाने में ये था जब हमको शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा क्या? तो फोनेटिक्स। शिक्षा का एक्चुअल अनुवाद अंग्रेजी में है फोनेटिक्स। भारत में जो शिक्षा होती थी वो फोनेटिक्स इसलिए होती थी कि एक राजकुमार और या एक कुटाल का कुमार या एक किसी का कुमार, सेनापति का कोई लड़का, वो अपने पिता के राज्य में न रहकर किसी दूसरे राजा के पास जाके नौकरी कर लेता है, लेकिन और किसी देश में जाके काम करने के लिए उस देश की भाषा को इस तरह से उसको बोलना पड़ेगा या सीख लेनी पड़ेगी जिससे उसके उच्चारण से ये पता ना चले कि वो बाहर का है। इसलिए उच्चारण, फोनेटिक्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दोज डेज। लेकिन अब केवल फोनेटिक्स पे नहीं चलता है, आपको उस भाषा में लिखित रूप का जो दखल है उसके ऊपर आपको बिल्कुल एक्सपर्टीज हासिल करना है। तो श्रुति और स्मृति के जगह पे कृति बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आपके बारे में। यह भी है कि आप एक ही पुस्तक को, एक ही रचना को, एक ही कविता को 10 बार पढ़े तो 10 तरह के मतलब भी निकलते हैं। ये नहीं कि अलग अलग लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी मतलब निकलेगा अलग अलग, नहीं। आप अपने जीवन में एक ही चीज को दोबारा देखें, दोबारा पढ़ें, तो आपको लगेगा नहीं अच्छा ये बात तो हमको पहले नहीं सूझा था, अब बात ये सूझ गई। अब ये जमाना आ गया कि धीरे धीरे कविता को गद्य जो है धकेलना शुरू कर दिया। पहले कविता सेंटर स्पेस में थी। आप गौर करें कि जो भी कुछ बोलना पड़ता है, चाहे वो आप मेडिकल टेक्स्ट हो वो भी कविता में, भौतिकी हो वो भी कविता में, एस्ट्रोनॉमी हो वो भी कविता में, ज्योतिष वो भी कविता में, और जो साहित्य है वो भी कविता में। पहले कविता ही एक्सप्रेशन का लैंग्वेज था। अब ये हो गया है कि प्रोज धीरे धीरे आके कविताओं को डिस्प्लेस करने लगी। तो एक ये भी कॉन्सिक्वेंस हो गया है प्रिंटिंग के वजह से। तो पोएट्री रिमेन कंटेंटेड टू हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। अब इंडिविजुअल क्रिएटिविटी तक पोएट्री सीमित रह चुकी है। पहले जो आपको शुरू से लेकर अंत तक काका की कुकू बादाम के कई कई को कंकर आम से शुरू करना पड़ता था और आप बोलते जाते थे, अब वो बात नहीं रही। अब थोड़ा दूसरा तरीका हो गया है एजुकेशन में। तो ये जो लिखित समाज है, लेखन प्रक्रिया है, उसका कैसे उसको हम समझें, उसकी संज्ञा क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? पीटर रॉबर्ट्स ने 1995 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ एजुकेशन में यह आर्ग्यू किया है कि लिटरेसी को डिफाइन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है उसमें, घोटाला बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कंट्री में लिटरेसी के लिए बहुत सारा पैसा लगाया जाता है। तब जिस तरह से आप डिफाइन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप सक्सेसफुल है कि नहीं है। कोई सरकार नहीं चाहती है कि दिखाएं कि हम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए लिटरेसी के संदर्भ में। तो सब लिटरेसी की डेफिनेशन अपनी अपनी सुविधानुसार बदलना चाहती है। तो ये उन्होंने कहा कि इसलिए इसे पॉलिटिकल डिसीजन कि कैसे आप लिटरेसी को डिफाइन करें। यूनेस्को ने एक बार कहा था कि 4 साल की स्कूलिंग हो, कम से कम 8वीं कक्षा तक लोग पढ़ें, 14 से ऊपर ज्यादा उम्र के बच्चे अगर वो ऐसे करते हैं तो वो लिटरेट है। अब आके लिटरेसी का डेफिनेशन थोड़ा बदल गया है। अब आपको अगर मोबाइल में SMS करना नहीं आएगा, WhatsApp करना नहीं आएगा, आपको मोबाइल में सर्च कमांड नहीं आएगा, आप लिटरेट नहीं है। इसलिए लिटरेसी की संज्ञा बिल्कुल बदल गई है। तो ग्रेजुअल कंटिन्यूम ऑफ लर्निंग है कि सीरीज ऑफ एब्रप्ट स्टेप्स है, ये सवाल बहुत कठिन है। रीडिंग एज, किसी ने रीडिंग एज की बात की है। आपने कभी गूगल में देखा होगा कि ASER बोल के एक चीज़ है, असर, ASER। प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन ने हर साल एक सर्वे किया है
जिसका रिपोर्ट निकलता है, ममता बनर्जी भी उसको कोट करती है और हमारे चंद्रबाबू नायडू भी उसको कोट करते हैं और दिल्ली वाले भी, केजरीवाल भी उसको कोट करते हैं, वो प्रथम का एक रिपोर्ट निकलता है हर साल, असर रिपोर्ट, कि क्या असर रहा है पढ़ाई लिखाई का, खासतौर से रीडिंग की एबिलिटी क्या है। तो देखा ये गया है कि क्लास 7 के बच्चे हैं क्लास 2 के किताब को पढ़ नहीं पाते, ये तो आपकी एजुकेशन का नतीजा है। तो इसलिए रीडिंग इज ए बिग प्रॉब्लम, लिटरेसी इज ए बिग प्रॉब्लम। व्हाट कैन वी रीड एंड राइट, हाउ मच कैन वी कवर एंड एट व्हाट स्पीड कैन वी डू दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इलिच ने एक बार ये कहा था इसके बारे में, ये जो है ना, ये लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है। लिटरेसी की बात जब हम करते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं, हायरार्की बना लेते हैं, ये परपिचुएट ऑप्रेसिव सोशल ऑर्डर, यही आपका एम होता है कि आप चाहते हैं कि परपिचुअली कुछ बच्चे जो हैं वो अंधेरे में रहें, वो सामने ना आ पाए, उसको पढ़ने पढ़ाने के डर से वो सामने ही ना आ पाए। लेकिन जो बोली वाले बोलने वाले हैं उनको तो पढ़ने से, हो सकता है पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा, उनको अगर मंच पे खड़ा कर दो तो गा देगा, बोल देगा कुछ, हो सकता है वो पढ़ ना पाए। तो ये बहुत बोलियों का अभिशाप रहा है कि किसको आप अहमियत देंगे, केवल उन भद्र लोग को आप अहमियत देंगे जो पढ़ पाते हैं लिख पाते हैं, कि उनको भी आप, जिसको मैथिल भी कहते हैं, मोजर देंगे, जो मंच पर बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रख सकता है। तो ओरल सी का जो तरीका है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लिटरेसी एक टेक्नोलॉजी है, एक स्किल है, लेकिन ओरल सी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब लिटरेसी की वैल्यू को हम कम नहीं कर रहे हैं। आप पब्लिक नोटिस पढ़ पाएँ, सिंबल देख पाएँ, आपको रेलवे स्टेशन में जाते जाते वो सिंबल देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तरफ, इस तरफ वॉशरूम है। वो सिंबल्स जो हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो सिंबल में लिखा होगा नो पार्किंग, पी के ऊपर में क्रॉस लगा रहेगा, तो यहाँ आप रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो आपको फाइन हो जाएगी। तो वो कुछ तो लिटरेसी का आपको जानना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना हद तक हमको मिनिमम जानना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट बात ये है, कहाँ तक। आप अभी देखेंगे कि जो रेडी वाला है, जो बेचता है सामान, टमाटर बिक रहा है और सीम बेच रहा है, वो कुछ बेच रहा है, आम बेच रहा है, वो भी लेकिन अब पेटीएम कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, और वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन उसको लिटरेसी ज़्यादा आती नहीं है, वो उसको उतना ही ज्ञान है जितना उसके, जिससे उसका काम चल जाता है, उसको आप ठग नहीं सकते। उसको आप खरीदें और कॉम्प्लिकेटेड 4-5 आइटम खरीद लिए, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, फटाफट वो हिसाब बना लेगा अपना इतना पैसा, आपको वो देखे कैलकुलेटर में 1, 2, 3, 4 दबाना पड़ता है, उसका भी दबाना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत, ये कल्चर्ड सिटीजनरी, आप सोचते हैं केवल लिटरेट वाले होंगे, ऐसा नहीं होता है। ओरल स्पीच डायलेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ एंड लॉजिक, डायलेक्ट्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि डायलेक्ट जो है ना ये बच्चा है, मर्द तो वो है लैंग्वेज वाला। ये थोड़ा आइडिया लोगों के मन में होता है कि जो बड़े हो हैं वो, बड़े वाले जो हैं वो भाषा बोलते हैं, ये तो बोलियों में बात करते हैं। तो एक थोड़ा इन्फेंट जैसा उनको ट्रीट किया जाता है कभी कभार, लेकिन वो इन्फेंट एक्चुअली है ही नहीं। एरिक्सन ने आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस किताब में कहा था कि अपनी जो आइडेंटिटी बनती है वो सीरीज ऑफ डाइकोटोमीज ऑफ क्राइसिस के माध्यम से बनती है। एक डाइकोटोमी ऑफ क्राइसिस होता है, कैसे डाइकोटोमी, ये 7-8 डाइकोटोमीज है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो इन्फेंट, इन्फेंसी के जमाना, ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, तो वो जब टॉडलर हो जाते हैं थोड़ा उनको शेम उस समय आ जाता है, तो ऑटोनोमी वर्सेस शेम डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं उसमें एक डाइकोटोमी चलता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्कूल एज के बच्चे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये कॉम्प्लेक्स काम करता रहता है, उसके बाद के जो बच्चे हैं एडोलेसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, अब क्या बनना है मुझे, कहाँ जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है,
अर्ली एडल्टहुड इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, मिडिल एज में जेनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन और मैच्योरिटी में इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर, ये डाइकोटोमीज है। इन डाइकोटोमीज के माध्यम से आपकी अपनी पहचान बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाता है। तो ओरल कल्चर के लिए भी कुछ हद तक ये सही है। आइडेंटिटी के चार स्टेटस हैं, जो इनमें से जो हमने बोला है इसके बारे में जेम्स मार्सिया कहते हैं कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसी से डिटरमिन हो जाता है कि अल्टीमेटली एक किसी आदमी का आइडेंटिटी या किसी भाषा की आइडेंटिटी क्या है। ओरल कल्चर ये सवाल अब पूछते हैं लोगों को, हु आर वी, हम लोग कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। ये भी पूछते हैं कि हमारे गोल क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, अब हम इस संस्कृति को लेके कहां तक बढ़ेंगे, कहां तक अचीव करना चाहेंगे, क्या यही हम हैं, ये भी कभी कभी वो पूछते हैं। तो जो कई ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जिसको हम फोरक्लोज ग्रुप बोलते हैं, वो एक तरह के आइडेंटिटी मान लेते हैं जो कि लोगों ने उनको दे दी है। डेलहाइम्स नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया, उन्होंने दिखाया कि अलग अलग भाषाओं में, उन्होंने खास तौर से अमेरिकन रेड इंडियन लैंग्वेजेस पे काम किया, उन्होंने दिखाया कि कुछ कुछ भाषाएं बोलियां ऐसी हैं जिनको आप दबाते जाओ उनको बोलो कि तुम गधे हो, तुम उल्लू हो, तुम बुद्धू हो, वो मानते नहीं हैं। उनमें संग्राम की क्षमता है, लड़ाई की क्षमता है, वो अपने आप में टिक जाते हैं, किसी न किसी तरह से वो निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ भाषाएं हो सकता है बोलने वाले उनके बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कोई अगर दूसरा कहेगा तुम बुद्धू हो, वो बोलते हैं हम तो बुद्धू हैं, हम तो गधे ही हैं, वो मान लेता है। अब सवाल ये है कि आपकी आइडेंटिटी उस तरह से बनेगी कि अगर आप फोरक्लोज ग्रुप में हैं, अगर आप मान लेते हैं बाकी डिवेल्युएशन ऑफ आउटसाइडर्स, उसको अगर आप मान लेते हैं, अगर आप मॉरेटोरियम में हैं तो हो सकता है आप एक्सप्लोर कर रहे हैं आइडेंटिटी, हो सकता है किसी आइडियोलॉजी की तरफ, किसी की तरफ आप न झुक कर अपनी एंग्जाइटी, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी आप आइडेंटिटी अचीव्ड के स्तर पर जा सकते हैं। तो ना अलग अलग डायलेक्ट्स की अलग अलग आइडेंटिटी बनती है, लेकिन कुछ डायलेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं जिनका एक डिफ्यूज आइडेंटिटी हो जाती है। क्रॉगर एंड मार्सिया कहते हैं, आइडेंटिटी डिफ्यूजन्स कम इन ए वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, ऑल हैविंग इन कॉमन अ वीक और नॉन एग्जिस्टेंट एक्सप्लोरेटरी पीरियड एंड एन इनेबिलिटी टू मेक डेफिनेट कमिटमेंट्स एट देयर बेस्ट। Diffusions can appear extremely flexible and adaptable. They can be whatever current influences shape them to be. But in the absence of an internal sense of self-definition, they must constantly look externally to define who they are and who they want to be, who they will be. At their worst, diffusions are lost and isolated, beset by feelings of emptiness or meaninglessness. बहुत सारे डायलेक्ट के साथ, बोलियों के साथ यही अभिशाप है कि उनको लगता है कि अब उनका कोई अर्थ नहीं रहा, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि मार्केट फोर्स के साथ भाषाओं का, बोलियों का सक्सेस फेलियर डिपेंड करता है, क्लोजली कनेक्टेड होता है। तो क्या गायब हो जाना, डिसअपीयरेंस, क्या यही नियति है, यही उनकी नियति है, यही उनकी डेस्टिनी है, ये सवाल आता है। वो उनका कर्ज क्या है, लूजिंग आउट इन द नंबर गेम। अब आप बहुत अच्छी तरीके से 1901 से 2001 के सेंसस की एक तुलना करें, बीच में एक ही दशक में सेंसस नहीं हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 1941 में सेंसस नहीं हुआ था, लेकिन अदरवाइज 1901, 1921, 1931 और उसके बाद में 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 ये सभी सेंसस हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी भाषाएं या बोलियां जो हैं वो गायब हैं। जो 119 भाषाएं और 544 बोलियां जिनके बारे में ग्रियर्सन ने
1901 में बात की थी उनमें से बहुत सारी गायब हैं, अब नहीं है। तो इज डिसअपीयरेंस देयर डेस्टिनी, ये सवाल आता है। एक रेड अलर्ट अब हम देखने को मिलता है हमको कि बहुत सारे थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, मछलियां गायब हो रही हैं। बहुत सारी मछलियां पहले हुआ करती थी, अब आपको बाजार में नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारी पंछियां हुआ करती थी, अब आपको नहीं मिलेंगे। सो 12% बर्ड्स हैव डाइड, 4% फिशेज हैव डिसअपीयर्ड। प्रेडिक्शन बायोमैथमेटिशियन का ये है कि बाई 2050 90% ऑफ लैंग्वेजेस विल डाई। 7000 भाषाओं में केवल 700 भाषाएं रह जाएंगी, करीब 6300 भाषाएं मर जाएंगी। अब ये अगर मर खप गए तो इनकी संस्कृति का क्या होगा, इनमें तो नॉलेज सिस्टम है उसका क्या होगा, क्योंकि इसमें तो चिकित्सा की नॉलेज है, हर तरह की नॉलेज है इन भाषाओं में, उसका क्या होगा। तो उसका किस तरह से हम प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं, तो डेविड क्रिस्टल ने एक किताब लिखी है लैंग्वेज डेथ के ऊपर, उन्होंने कुछ सजेशन दिया है, उस सजेशंस को हम आपके सामने रख सकते हैं। व्हाई हेल्प सेविंग दी स्पीचेस, ये सवाल आता है कि हम क्यों बोलियों को बचाएं। मन में, आपके मन में जरूर आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ बोलियां अगर मर भी जाएं तो कुछ लोग तो मरेंगे ही, कुछ ही लोग जिएंगे, तो जो मरने वालों को हम क्यों बचाएं, ये सवाल आ सकता है। तो ये उसका कुछ उत्तर उन्होंने दिया है। एक तो ये है कि आप देखेंगे कि एनिमल्स, प्लांट्स, हर्ब्स, बैक्टीरिया सब में ना एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और रिलेशनशिप है। आप एक को उसमें से नेटवर्क से निकाल लीजिए तो नेटवर्क गड़बड़ा जाता है। ये बायोलॉजी में देखा गया है, लैंग्वेज के कल्चर के क्षेत्र में भी वही बोल एप्लीकेबल है। मध्य भारत में बड़े बड़े जो बैरेजेस बने हैं नदियों के ऊपर में, उसके चलते बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को आपने डिसलॉज कर दिया। आपने तो बहुत गुस्सा जाहिर कर दिया मेधा पाटकर के ऊपर में कि क्यों वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उनका काम तो यही था कि ये बोलना कि ये जो बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर में आप बैरेजेस बना रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को आप वहाँ से हटा के कहीं बाहर फेंक रहे हैं। और जब वो अपनी जंगल से, अपनी जगह से, अपनी परिचित क्षेत्र से बाहर जाके कहीं रहना शुरू कर देता है, तब धीरे धीरे उसके आइडेंटिटी की क्राइसिस शुरू हो जाती है। दुनिया भर में ये हो रहा है। दूसरी समस्या क्या होती है, इन बोलियों में एक शेयर्ड मेमोरी होता है, कहानियों का, सुर का, धुन का, कविताओं का, फोकलोर का, बिलीफ सिस्टम का, ये सब गायब हो जाता है। क्योंकि लैंग्वेज एक सिंबल भी है, एक मार्कर भी है, एक आइडेंटिटी भी है। अगर ये गायब हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तीसरी बात यह है कि बहुत समय आपको इतिहास का कोई उपादान नहीं मिलता है, मतलब आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं मिलेगा। इंडो यूरोपियन के बारे में अगर आप सोचें, ऋषि जी पढ़ाते होंगे इंडो यूरोपियन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, थोड़ा बहुत अगर पढ़ाते होंगे तो इंडो यूरोपियन की जो संकल्पना है उसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है, वो केवल एक मानसिक संकल्पना है। तो लैंग्वेजेस आर द ओनली लिंक टू द पास्ट। अगर आप लैंग्वेजेस गायब हो जाएंगे तो पास्ट का लिंक भी खत्म हो गया, इतिहास भी खत्म हो गया। चौथा ये है कि टोटलिटी ऑफ ह्यूमन नॉलेज जो है वो लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बंगला में 325 कबीरा जी टेक्स्ट है। एक सज्जन रोड फेलोशिप लेके कैम्ब्रिज में इसके ऊपर में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पीएचडी थीसिस उनकी केवल बंगला के जो वैद्य लोग होते थे बंगाल के, उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है पुराना, पुरानी बंगला में, उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी अपनी की है। मान लो बंगला भाषा गायब हो जाए दुनिया की, तो इसका मतलब वो जो 325 तरह के जो ट्रीटमेंट के जो जो टेक्स्ट थे वो भी गायब हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि नॉलेज सिस्टम गायब हो जाता है कंप्लीटली। पांचवा ये है कि जो स्पीच वैरायटीज हैं, इवन एज प्योरली स्पीच वैरायटीज, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू स्टडी भाषा विज्ञान की तरफ से। तो
इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज एट्रिशन अगर इनेविटेबल है हमारे फैशनेबल लाइफ की तरफ जो वीकनेस है उसके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्रिस्टोफर मुसली बीबीसी के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। मुसली का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमने 30 लोगों ने मिलके, दुनिया में 30 भाषा विज्ञानी ने मिलके यूनेस्को के लिए बहुत बड़ा काम किया। अगर आप यूनेस्को के वेबसाइट में जाएंगे और देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा एटलस मिलेगा, एटलस ऑफ लैंग्वेजेस इन डेंजर। तो 7 जो दक्षेस देश हैं उसके लिए मैंने काम किया था। इस तरह से मेरे जैसे और 29 लोग थे दुनिया के और जगहों के लिए, हमारे लीडर थे क्रिस्टोफर मुसली बीबीसी के, और यूनेस्को के लिए काम हम लोगों ने किया था। पैसे के लिए नहीं किया, तो काम बहुत बड़ा ज़बरदस्त था इसलिए किया। उसके बाद भी धमाका शुरू हो गया, इंडेंजर लैंग्वेजेस के ऊपर में इतनी सारी बातें शुरू हो गई। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, लैंग्वेज हैज़ ऑलवेज बीन अ पावरफुल वेपन इन द सब्जुगेशन ऑफ पीपल्स एंड नेशंस। भाषा को अस्त्र के रूप में, औजार के रूप में बहुत लोगों ने, बहुत राजनीतिक ने, बहुत नेताओं ने इस्तेमाल किया है। एम्पायर्स हैव कम एंड गॉन बाय द सोर्ड बट दे आर ट्रू स्टेइंग पावर, दे आर लास्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर मेनी जनरेशंस, लॉन्ग आफ्टर ट्रैपिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हैव डिसअपीयर्ड लाइज इन द पावर ऑफ लैंग्वेज। हो सकता है आपको नाराजगी है कि बाहर से मुगल क्यों आए भारत में, बाहर से पठान क्यों आए भारत में, लेकिन उनके आने से कुछ चीज़ें भारत में तो आई। जो पर्शियन कल्चर है, जो गज़ल है, जो स्वर हैं, सुर हैं, जो आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, जो आर्ट में, वो तो आया है। अब उसको आप कैसे नकार सकते हैं, आप उन पर नाराज़गी जाहिर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ में बहुत कुछ आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पावर गेम है लैंग्वेज का। तो क्या क्या हम कर सकते हैं बोलियों के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए, कुछ हमने आपको सामने रखा है। अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स, लैंग्वेज राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो है इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनके जो डोमेन्स ऑफ यूज है उसको बढ़ाइए, एक क्रिटिकल मास कम से कम उन लैंग्वेजेस में हो ये देखिए, एक स्टेबल लिटरेसी प्रोग्राम उनके लिए अलग से बनाइए, इंट्रा एथनिक आइडेंटिटी की बात करिए, जैसे भाषा म्यूजियम गणेश देवी ने बनाया हुआ है बड़ौदा में, तेजगढ़ में, उस तरह से कुछ काम कीजिए। हेल्प रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ कल्चर एंड एंश्योर दैट दे आर रिमेनिंग अवे फ्रॉम द किलर लैंग्वेजेस। ये इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, अभी आप गौर करें कि बहुत सारे देशों में ये डिसलॉज होने का, डिसप्लेस होने का एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, और ये अगर डिसलॉजेशन, आप अगर डिसलॉज हो जाएंगे एक बार में अपनी जगहों से, तो बहुत डेंजरस काम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सब काम कर सकते हैं, व्हाट इज़ डूएबल, हमने एक सूची आपके सामने रखा है। डॉक्यूमेंटेशन ग्रामर हम लिख सकते हैं, प्राइमर लैंग्वेज गेम्स हम तैयार कर सकते हैं। जो ऋषि ने मैसूर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की बात कही है, उसमें हमने क्यों ये सब शुरू किया, हमने शुरू इसलिए किया कि ये जो आप कर सकते हैं, ये आप मैक्सिमम काम आप छोटी छोटी भाषाओं के लिए, बोलियों के लिए कर सकते हैं, वो करिए। किसी ने आपको मना तो नहीं किया, क्योंकि अलग अलग सचिव ने, शिक्षा सचिव ने हमको कहा था कि हम आँख मूंद के बैठे हुए हैं, आप करते जाओ जो करना है, पता है आप जो करोगे सही काम करोगे। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े थे कि ग्रेडेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाइए, राइटिंग सिस्टम बनाइए, उनका लिटरेसी बुक्स बनाइए, जनरल पर्पज डिक्शनरीज बनाइए, थेसोराई वर्डनेट बनाइए, कल्चरल विजुअल डॉक्यूमेंटेशन बनाइए, और यही कारण है जो हमने ये सब काम किया है। तो धन्यवाद, इन ऐसे ही बोलियों के अभिशाप से आपको मुक्ति मिल सकती है। सर, भाषाओं और बोलियों की तरफ आपने जिस गंभीरता से, जिस संवेदना के साथ हमारा ध्यान खींचा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत ही शानदार अभी एक व्याख्यान आपका और होना है, उससे पहले मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ।
आपने सर आपने भी विस्थापन की बात की। विस्थापन ने बोलियों के बचाव में विकास में क्या भूमिका अदा की, और विस्थापन भी स्त्रियों का विस्थापन, मजदूरों का, तो बोली के निर्माण में विकास में या बचे रहने में स्त्रियों की भूमिका क्या रही, वो मुझे थोड़ी मिसिंग लगी। आप उधर नहीं ध्यान दिलाए, हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ा आप अलग से हमें बताएं अपने तीसरे व्याख्यान में कि स्त्रियां कैसे भाषाओं को बचाई हैं। एक दोस्त ने कहा कि वो कलकत्ता नया नया आया था और उसकी मेड से उसने कहा कुछ कि उसको बिल्कुल बांग्ला नहीं आती थी, तो थोड़ा थोड़ा वो सीखा, तो वो बोलता था कि मैं सबसे पहले एक ही शब्द सीखा था, खाबो। तो जैसे ही मैं रूम में वो मेरी मेड आती थी उसको मैं बोलता था खाबो, तो एक दिन वो बोली कि वो तो ताड़ाताड़ी होबे की टाइम लागे, तो वो बोला कि ताड़ाताड़ी की बात को छोड़ो, भात में आलू डाल के खिलाओ मुझे, ताड़ाताड़ी मैं नहीं खाऊंगा उसे। उसने कहा जल्दी जल्दी दो आमी, जल्दी दो हम आम खाबो, तो उसने जल्दी। अब मैं बात वो तो एक हंसी की बात थी, मैंने देखा कि इधर से इसने जल्दी बोला, महिला ने उधर से कहा ताड़ाताड़ी होवे ना, ताड़ाताड़ी को इसने भोजन समझ लिया, बाद में उसने करेक्ट किया वो समझ गया। तो लैंग्वेज ऐसे भी सीखी जाती है, बहुत सारी भाषाएं, जिस तरह सर बता रहे थे कि एक मजदूर एक व्यवसायी 16-16 भाषाओं को बोलता है। आप बनारस के घाट पे जाइए, छोटे छोटे बच्चे वो फ्रेंच भी बोलते हैं, पोलिश भी बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं बनारस में। वो टूरिस्ट को देख के समझ जाते हैं कि ये पोलैंड की है कि जर्मनी की है महिला, और उसे बोलती है कि बोलते हैं बच्चे कि आप बोट लोगे क्या, बोट की सर्विस लोगे क्या, वो तो होटल की सर्विस है, खाने की सर्विस है। वो 10-15 वाक्य जो है बच्चे वो दुनिया के 10-15 भाषाओं के सीख चुके हैं, और हम जैसे लोग तो चौंक जाते हैं देख करके कि इतना कैसे फ्रेंच बोल रहा है अभी, पोलिश फ्रेंच। एक दूसरा अनुभव सर, आपने बोलियों की तरफ कहा कि जो बोलियों में जो संवेदना है, बोलियों में जो संवेदना है, दरअसल हम बोलियों को संवेदना की ही दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते। मैं नया नया पिता बना था मैसूर में, मैं था, मेरी पत्नी थी, बच्चा बहुत रोता था, बहुत मतलब बहुत रोता था, तो पत्नी तो बहुत परेशान हो जाती थी। मैं गांव से जुड़ा हुआ था, पत्नी गांव से जुड़ी नहीं थी, गांव में भी संयुक्त परिवार से मैं जुड़ा था, तो मैं सुन रखा था कि बच्चे कितने तरीके से बोलते हैं। वे भी नए नए पिता बने हैं, इन्होंने भी महसूस किया होगा। तो गांव में बच्चे के रोने को लेकर के मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, जो भोजपुरी क्षेत्र के होंगे उन जानेंगे कि छेटिया था, रिरिया था, फपका था, नदियाई बा, ओहका था, कुहका था, ये सब रोने की वैरायटीज हैं। कभी बच्चा जैसे माँ इधर उधर चली गई है, दूसरे को बच्चा दे दी है, तो बच्चा दूसरे तरीके से रोता है। बच्चे को भूख लगी है तो दूसरे तरीके से रोता है। बच्चे को नींद नहीं आई तो दूसरे तरीके से रोता है। बच्चे को कोई तकलीफ है तो दूसरे, ये माएँ बेहतर तरीके से जान पाती हैं और हर रुलाई के अनुसार उनका वो मेडिसिन देती हैं। तो अगर भोजपुरी चली जाएगी, एक भोजपुरी उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, तो ये जो ज्ञान है, जो एक रोने का ही जो मनोविज्ञान है, उसकी जो एक समझ है, निश्चित रूप से वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। एक तीसरी भोजपुरी से, आज मातृभाषा दिवस है, भोजपुरी क्या ही एक लोकगीत है, ओरल ट्रेडिशन से है सर, उसका भाव देखिए मैं जो बोलना चाहता हूं। गीत में तीन दृश्य है। पहले दृश्य में हिरन कहता है हिरनी से कि तुम क्यों उदास हो, क्या तुम्हारे इलाके के घास फूस सूख रहे हैं, पीने वाला जो जलाशय है वो सूख रहा है, तुम्हें चिंता हो रही है भविष्य की। तो हिरनी कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज राजा के घर में उत्सव है,
बच्चे का छठिहार है और तुम्हारा मांस पकेगा। दृश्य दूसरा, हिरनी कह रही है रानी से, रानी मांस जो तुम पका रही हो ठीक है, तुम्हारे बच्चे के जन्म का उत्सव है, लेकिन मेरे हिरन का खाल मुझे दे दो। जो खाल, मांस तो बना ना, खाल तो बना नहीं, खाल मुझे दे दो, उस खाल को मैं टांगूंगी अपने घर के पास और उसको देख करके सोचूंगी कि मेरा हिरन मेरे साथ है। दृश्य तीसरा, और वो दृश्य दूसरे में वो जो रानी का नाम ले रही है कोसिला, कोसिला रानी, यानी कि आप जोड़िए वो माइथोलॉजी से, कोसिला रानी से वो कह रही। दृश्य तीसरे में रानी कहती है कि नहीं, मैं खाल नहीं दूंगी, उस खाल से मैं वो ढोलक बनाऊंगी और मेरा बच्चा उस ढोलक से खेलेगा, खजड़ी बनाऊंगी, खजड़ी से वो बच्चा खेलेगा। तीसरे ही दृश्य में अंतिम पंक्ति है कि जब जब उस ढोल की आवाज कानों में हिरनी की पड़ती है, उसके अंदर एक वो कुहकती है, अहकती है। अब अहकना शब्द का मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं, कि उसका दिल जो है उस समय धड़कता है, तेज होता है, सांसें फूलने लगती हैं जब जब वो ढोल की आवाज सुनती है। मैं कहना चाहता था कि इसमें देखिए कितनी पीड़ा छुपी है, कितनी गहरी मानवीय संवेदना छुपी है, जिस संवेदना की तरफ हमारा ध्यान हमारे हिंदी के बड़े कवि मुक्तिबोध खींचते हैं, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन। तो ये संवेदनाएं हमें हमें अपनी बोलियों में हमें मिलती है, और संवेदनाएं हैं बोलियों में, ज्ञान नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जहां संवेदना नहीं वहां ज्ञान नहीं, और अगर कहीं ऐसा ज्ञान है भी तो बेकार का ज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ दूसरे व्याख्यान के अंत की मैं घोषणा कर रहा हूँ। तीसरा व्याख्यान हम लोग 2:25 से शुरू करेंगे, आप लोग एकदम समय से आ जाइएगा, लंच की व्यवस्था आप लोगों के लिए भी है। धन्यवाद। अठे उपस्थित प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर उदय नारायण सिंह, प्रेसिडेंसी विभाग के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वीरदमन पांडे जी और विभाग के सारे प्रोफेसरों ने मेरो प्रणाम, और अठे उपस्थित सारे श्रोताओं ने मेरो आदर। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है तो मैंने भी दो शब्द अपनी भाषा में कहे। सर, आप स्वयं उर्दू, मराठी, मैथिली, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं के जानकार हैं, इसका अर्थ यही होता है कि आप स्वयं एक बहुभाषी हैं। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आप ना तो आपने ना तो हिंदी सीखी है और ना ही हिंदी कभी बोले हैं, लेकिन मुझे आपके वक्तव्य के दौरान, व्याख्यान के दौरान कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप हिंदी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने अपने व्याख्यान में जिन शब्दों का प्रयोग किया ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदी के प्राध्यापक उस शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इसके साथ ही सर, आपने बहुत ही सुस्पष्ट व्याख्यान दिया है। अभी जैसे सर हमें कह रहे थे कि आप, हम सर से पूछ रहे थे कि बच्चे मतलब समझ पा रहे कि नहीं आपके व्याख्यान को, सर हम सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपके व्याख्यान को सुना है और समझा है, क्योंकि आप बहुत ही सरल तरीके से स्वाभाविक रूप से अपना व्याख्यान दे रहे थे, और मैं कॉपी और पेन लेके बैठी थी कि सर जो कुछ बातें बताएंगे जो हमारे लिए अच्छी हैं वो मैं नोट करूंगी।
प्रारंभ में जब हिंदी विश्वविद्यालय की कला संकाय डॉक्टर तनुजा मजुमदार जी व्याख्यान दे रही थी, तो वो कह रही थी कि हो सकता है कि सर ऐसी भी बातें बताएं जो हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करें। सर आपने सच में ऐसी बहुत सारी बातें बताई है जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और सर केवल व्याख्यान ही नहीं, व्याख्यान होता है क्या है सर, स्वाभाविक तौर पर हम लोग सुनते हैं, अगर हम लोग नोट नहीं करें तो हम उसको भूल जाते हैं, ये जरूरी ये सही है, लेकिन आपने न केवल व्याख्यान दिया विथ स्लाइड के साथ में जो हमें आंकड़े उपलब्ध कराए हैं वो हमारे आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत ही मतलब कि हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे, बहुत ही हमारे मार्ग में काम आएंगे। सर इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, आप सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी, आपने ध्यान से सुना और उनको अपने भावों को शब्दों में पिरोया, अच्छे शब्दों में। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि प्रमुख वक्ता जाने माने भाषाविद प्रोफेसर उदय नारायण सिंह सर से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपने व्याख्यान की जो तीसरी कड़ी है अंतिम उस पर व्याख्यान दें। खतरे की गति और प्रकृति। खतरे की घंटी बजने से पहले या बजाने से पहले मैं अपनी एक मैथिली कविता सुनाऊं। मातृभाषा दिवस है इसलिए ये कविता हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में जब मैं बैठकर कुछ युवा कवियों को सुन रहा था, एक सेशन था युवा महिला कवि, और उसमें मैंने अरुंधति सुब्रमण्यम को सुना। अरुंधति ने बहुत पहले पोएट्री इंटरनेशनल के मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन उसको कभी हमने कविता पढ़ते हुए नहीं सुना था। तो उस समय लिखी गई कविता जो कि बाद में दूसरी कविता के उस कड़ी में श्रृंखला के रूप में किताब में आई थी, उसकी एक कॉपी बाई चांस हमारे पास है, किताब तो है नहीं यहाँ। जैसे कि आपने सुना है ये पूरी किताब का नाम है जहलक डायरी, द प्रिजन डायरी, और इसमें 27 कविताएं हैं। एक महाकविता जैसा है जिसमें कि एक इंटरटेक्चुअलिटी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक कल्प कविता अलग से न पढ़ी जाए, तो इसलिए इसको समझने के लिए इसके पहले के और इसके बाद की कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ें तो अच्छा होगा। जहलक डायरी 2। हम कहिया अहां जका लिख सकब अरुंधति, हम कहिया अहां जका लिख सकब अरुंधति, कहिया लिख सकब जना अहां लिखै छी अनजानल लिपि में, कहिया लिख सकब जना अहां लिखै छी अनजानल लिपि में, जकर मात्रा नि जाए हम कतौ सँ बहि जाए टेढ़ मेढ़, आ जकर सबटा व्याकरण तोड़ै छै हस्तलेख के, जकर मात्रा नि जाए हम कतौ बहि जाए टेढ़ मेढ़, आ जकर सबटा व्याकरण तोड़ै छै हस्तलेख के, जकर भीतर में रहै छै दबल अप्रकाशित अनुभूति, जतौ शब्द आ पदबंध मारै छै किलकारी, गली मोहल्लाक सबटा ध्वनिक संग करे छे निर्मम परिहास, आ तखन आबि के हम बैस जाए छी हमर रंगक पलेट पर, आ तखन आबि के हम बैस जाए छी हमर रंगक पलेट पर, जहलक वासंती पूर्णिमा के रंग में, ताकि हम नहुं नहुं रंग में छोपि सकी खागक कलम अब्रुष के, आ तस्वीर बना सकी अनकहल कथा के,
अब तस्वीर बना सकी अंकहल कथा के जाय में रहत सनसनी खेज खबर ततेक वर्णन एकटा भयावह युद्ध के जाहि में प्रजन्म दर प्रजन्म मिटा गेल हो भूमि में धूल में बस हमरा अहाँ के छोड़ अरुंधति कहिया हम लिख सकब अहाँ जगह। खतरे की गति प्रकृति द सेंस ऑफ डेंजर वर्ल्ड सिनेरियो की तरफ देखें अभी दुनिया की दिशा दशा क्या है भाषा के संदर्भ में खास तौर से भाषिक उन्नति या प्रगति के संदर्भ में जो हमारे वाणिज्यिक तौर पे व्यावसायिक तौर पे जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं उन्नत पृथ्वी कहते हैं वहां उन्नति का या प्रगति का एक बहुत भयावह परिणाम हुआ है। वह परिणाम ऐसा है कि बहुत सारी छोटी छोटी भाषाओं का विलोप हो गया है। सन 1800 में या 19वीं सदी का अंत होने से पहले या थोड़ा उसके बाद में भी हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। करीब 250 भाषाएं बोली जाती थी। बॉब डिक्सन ने जो ऑस्ट्रेलियन लिंग्विस्ट हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बहुत रोचक काम किया है बहुत सारी ऐसी भाषाओं पर जिनका अब विलोप हो गया है। उन भाषाओं का नाम आपने नहीं सुना है जैसे यिदिन एक लैंग्वेज है। अब इनकी महत्ता यह है कि इन भाषाओं की संरचना ऐसी है जो कि बहुत सारी व्याकरणिक कोटियां और संरचना उसका जो संदर्भ है उसका जो बहुत दिनों से जो कुछ चला आ रहा है उसके थ्योरी के बारे में उसको निकाल देता है। तो बहुत रोचक है इस दृष्टि से तो लिंग्विस्टिक्स के दृष्टि से बहुत इंटरेस्टिंग है। साइबेरिया अलास्का में 50 में से 45 भाषाएं गायब हो गई। अमरीका और कनाडा में 149 भाषाएं मर गई। ऑस्ट्रेलिया में भी 225। लैटिन अमेरिका में खासतौर से ब्राजील में ब्राजील के जंगलों में बहुत अजीब गरीब भाषाएं बोली जाती हैं और वो सब टाइपोलॉजी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। दुनिया के अधिकतर भाषाएं ऐसी हैं जहाँ सब्जेक्ट पहले आता है ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यात्रा उसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का अन्वय इन तीनों का सिंटैक्स क्रोनोलॉजी हम ले लेते हैं तो भाषा या तो SOV होते हैं या VSO होते हैं या SVO होते हैं। ज्यादातर भाषाएं ये तीन होते हैं। ग्रीनबर्ग ने जोसेफ ग्रीनबर्ग ने लैंग्वेज यूनिवर्सल्स किताब में बहुत पहले 1965 में ये प्रपोज किया था। उसके बाद से बहुत चर्चा हुई बहुत शोध कार्य हुए लेकिन 1978 में जेफ पुलम जो कि उस समय इंग्लैंड में थे बाद में कैलिफोर्निया में आ गए और उनके छात्र डर्बीशायर इन्होंने ब्राजील के जंगलों में घूमकर ऐसी बहुत सारी भाषाएं इनको मिली जिसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया जहाँ की ऑब्जेक्ट शुरू में है सब्जेक्ट बाद में है उसके बाद में वर्ब है। तो कुछ तो ऐसे देश हमें मिले थे जहाँ वर्ब शुरू में होता है और सब्जेक्ट का अपने बाद में आता है जैसे मेलागास्कर आइलैंड्स उसमें मेलागेसी एक भाषा है जहाँ की VSO ये अन्वय है लेकिन OS भी OVS अन्वय
कहीं नहीं मिलता था, जो कि ब्रिजी में मिला। अब टाइपोलॉजी के दृष्टि से, ग्रामेटिकल थियोरी के दृष्टि से इसकी बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इनमें से भी बहुत सारी भाषाएं, करीब 110 भाषाएं गायब हो गई। तो ये तो वर्ल्ड सिनेरियो है। अब केवल आप देखें तो इस समय जो पाई चार्ट है आपके सामने, उसमें से देखा जाए तो 57% लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि इस समय तक सेफ है, लेकिन 43% लैंग्वेजेस हैं जो कि या तो मर गई हैं या मरने वाली हैं या बहुत शीघ्र मरेंगी या बहुत बुरी तरह से अपने को किसी तरह से जीवित रख पा रही है या जिसपे ऑलरेडी पचन सड़ना शुरू हो गया है, धीरे धीरे वो एक्सटेंशन की ओर बढ़ रही है। अब इन भाषाओं को जो बोलने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहेंगे, स्वयं ही कहेंगे कि अब क्या करें, इसका क्या निदान है। हम लोग कितना भी चाहें अपनी भाषा को बचाना, अगर न बच पाती है तो हम और क्या कर सकते हैं, एक हेल्पलेस सिचुएशन हो जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मैप का, वर्ल्ड मैप का, जो लाल है उसका मतलब है वहां बहुत बुरी हाल, बहुत बुरा हाल है। तो पूरी दुनिया में कितनी लाली है वो आप देख सकते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस डिपेंड्स ऑन मेनी ऑफ दिस फैक्टर्स, कई फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। एक तो यह है कि क्या हम अपने नेक्स्ट जेनरेशन को अपनी बोली पास ऑन कर पा रहे हैं कि नहीं, इंटर जेनरेशनल ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, कोरिलेशन क्या है एक्टिव स्पीकर्स उस भाषा में जो है उसका और उनके उम्र का क्या कोरिलेशन है। अगर देखा जाए कि उसमें उम्र का कोरिलेशन इतना बुरा है कि जो अधिक उम्र वाले हैं केवल वही उस भाषा को बोल पा रहे हैं और यंग लोग उस भाषा को बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो सही गड़बड़ा है। तो कोरिलेशन इसका इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट नंबर जो है स्पीकर का वो भी इम्पोर्टेंट है। हर 10 साल में जो सेंसस होता है उसमें क्या उनकी संख्या में कम हो रहा है, संख्या कम हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कितने लोग बाइलिंगुअल बन गए हैं, जो कि पहले बाइलिंगुअल नहीं थे अब बाइलिंगुअल बन गए हैं, इसका मतलब धीरे धीरे जो उनकी दूसरी भाषा है जो कि बाजार की भाषा है हो सकता है आगे जाके उसमें शिफ्ट कर जाए। और इन भाषाओं में कितनी भाषाएं स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो कि हम शुरू में पहले लेक्चर में हमने कहा कि माँ तुम क्यों नहीं पढ़ाते मुझे, उसका जवाब क्या है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके लिए ये हुआ है। और ये इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको कहा है कि रेड अलर्ट एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ से, IUCN की तरफ से, IUCN की तरफ से दिया गया है, जिसमें कि भाषाई मृत्यु जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने लैंग्वेज डेथ का जिक्र किया है डेविड क्रिस्टल का, जो कि सन 2000 में प्रकाशित हुई। सन 2000 से पहले डेविड क्रिस्टल की इस किताब का आने से पहले 35 लोगों को, हम में से 35 लोगों को आइसलैंड के प्रेसिडेंट ने बुलाया था एक बार। सो हम लोग डेविड क्रिस्टल भी उसमें थे, रैकेविक आइसलैंड में गए और रैकेविक में 7 दिन रहे और रह के विचार विमर्श किया कि क्या स्थिति होने वाली है। उसके बाद में ये किताबें आई हैं, तो उसका नतीजा ये है कि जो बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हमने दुनिया भर से ले आके वहाँ प्रेजेंट किया था, उसी का नतीजा है कि बहुत सारी ऐसी किताबें आ गई हैं। और एक फाउंडेशन भी तैयार हुआ उस समय, फाउंडेशन फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, जो गूगल में आप देखेंगे तो एक फाउंडेशन फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस आपको मिलेगा। उसमें हर साल अच्छे ग्रांट्स दिए जाते हैं, अगर आप किसी एंडेंजर्ड लैंग्वेज भारत में है उस पर काम करना चाहते हैं और शोध कार्य के लिए आपको पैसे चाहिए, तो FEL में ज़रूर आप
साइड पे देखें, वहाँ से आपको काफ़ी सपोर्ट इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां वहां आपको मिलेंगी उनके साइट में। एक मिलेगा एंडरसन का लैमेंटेशन, जो कि 8 अक्टूबर 1992 में जब वो रिकॉर्ड करने गए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का, जिसमें कि एक ही स्पीकर बचा हुआ था, उनको पता चला कि उसी दिन सुबह उनका निधन हो गया। ऐसे बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स की स्टोरी आपको वहां मिलेगा। ब्रूस कॉनेल ने कैमरून में जब बोगोन भाषा की अंतिम एक्टिव स्पीकर को रिकॉर्ड करने गए, तो उनको हताश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि उनका तो निधन हो ही गया था, केवल उनकी बहन बची हुई थी जो कि सुन सकती थी, समझ सकती थी, उस भाषा को बोल नहीं पाती। कितना पैथेटिक बात है, कोई नहीं रहा जिससे वो बात कर सके। तो दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसकी स्पीकर्स 3,000 से 10,000 के भीतर हैं। आप गौर करेंगे कि जितने आंकड़े हमने आपको दिए हैं सेंसस ऑफ इंडिया से, वो सब आंकड़े 10,000 से ऊपर बोलने वाले की, 10,000 से नीचे बोलने वाले के आंकड़े मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, जिसको अदर मदर कहते हैं। संख्या क्या है इस समय स्थिति में, संख्या क्या है? ये संख्या अलग अलग काउंटिंग में अलग अलग तरह के होते हैं। एथनोलॉग की काउंटिंग में फिगर है 5,687, यूनेस्को के काउंटिंग में 6,796। मतलब ये है कि 6,000, करीब 6,000 से 7,000 के भीतर में दुनिया भर की भाषाएं हैं संख्या में। लेकिन अलार्म बेल तो बज चुका है, खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि ये जो अलग अलग काउंटिंग है यूनेस्को की, चाहे एथनोलॉग की, चाहे किसी और सरकारी संस्थानों की, इससे पता चलता है कि ये जो एग्रीमेंट में नहीं है वो इसलिए नहीं है कि धीरे धीरे ये भाषाएं और घटती जा रही हैं। विथ एवरी डिकेड थिंग्स आर हैपनिंग। आपको एक शब्द काफी मिलेगा सेंसस में सुनने को, रैशनलाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस, रैशनलाइजेशन ऑफ मदर टंग। ये आप सेंसस में बार बार देखेंगे आएगा। उसका मतलब ये है कि पिछले 100 साल का सेंसस भारत के लिए क्योंकि उपलब्ध है, 100 साल में ये जो नया लेवल आप बोल रहे हैं कि ये बोली है, उस बोली का क्या स्टेटस रहा है अलग अलग सेंसस में, क्या संख्या रही, क्या स्टेटस रहा, वो था नहीं था, अचानक आ गया, कब आ गया, क्यों आ गया, कौन कौन सी जगह में उसका रिकॉर्डिंग हुआ, क्योंकि हर घर में जाके, हर व्यक्ति के पास जाके एन्यूमरेटर पूछता है, तो उसका जो एन्यूमरेशन लेके वो वापिस आता है। पहले ये होता था अप टू 1991 कि सेंसस का जो फॉर्म होता था उसके नीचे में केवल लैंग्वेज का लेवल होता था, और जब तक एक कलकत्ते में है लैंग्वेज डिविजन सेंसस का, जब तक वो लैंग्वेज डिवीजन के पास आता था तब नीचे वाला पोर्शन फाड़ के आता था। मतलब आपके पास कोरिलेशन करने का कोई तरीका ही नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट का कोरिलेशन क्या हो रहा है। अब नहीं हो रहा है, आफ्टर 1991 बहुत हम लोगों ने हल्ला मचाया, हल्ला मचाने से फायदा ये होगा कि अब सेंसस वाले उसको फाड़ नहीं रहे, कम से कम कोरिलेशन अब अवेलेबल है, लेकिन वो कोरिलेशन किसी को बताते नहीं है। और मजेदार बात यह है कि 58 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी स्टेटिस्टिक्स अभी रोक के रखा है भारत सरकार ने, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी स्टेटिस्टिक्स वो रिलीज करेंगे तो तहलका मच जाएगा, को हल्ला मच जाएगा, रायट शुरू हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट की एक खास कमेटी है जिसमें कि कई विभाग के, कई मंत्रालय के सेक्रेटरीज हैं, और वो तय करते हैं कि इसको रिलीज किया जाए या ना जाए। अब मेरे पास, मेरे नॉलेज में उन भाषाओं की संख्या, नाम सब कुछ है, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेसीज के तरह से, उस कारण से मैं इसको रिलीज नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन आमतौर पे जो भाषा विज्ञानी काम करते हैं उनको पता ही नहीं है उनके बारे में। तो जटिलता बहुत तरह की है इसमें, अलग अलग देशों में क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कुछ कारण आपको दिए थे पहले, उसी को मैंने यहाँ रिपीट किया, समराइज किया है। रिटेनिंग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एसेंशियल, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स विल डिसअपीयर। दो, शेयर्ड मेमोरीज एंड हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट। तीन, लैंग्वेज अ लिंक टू द पास्ट। चार, ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस कंट्रीब्यूट टू द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। और पांच, लैंग्वेजेस आर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी एनीवे। ये पांच आपको याद होगा, हमने आपको क्यों सेव किया जाए उसके तहत हमने ये कहा था। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम प्रस्तुत करते हैं खतरे को। बॉब हॉलमैन ऑस्ट्रेलिया में गए, एक एबोरिजिनल सॉन्गमैन। सॉन्गमैन बोलते हैं उन कवियों को जो कविता लिख सकते हैं, कविता रच सकते हैं लेकिन लिखते नहीं, सॉन्गमैन है। वो गाना तैयार करते हैं, उनके गाने सब लोग गाते हैं लेकिन लिखने का तो कोई साधन उनके पास है नहीं, इसे लिखते नहीं है, कवि है लेकिन। तो उस सॉन्गमैन के पास गए, जिसका नाम था चार्ली मैंगुल्टा, जो अमुंडक भाषा बोलते थे। चार्ली जब चले गए, जो लिंग्विस्ट उनके ऊपर काम करते थे उनका नोटबुक है, उनकी रिकॉर्डिंग है, इतना ही रह गया भाषा गायब। तो जब ये लैंग्वेज लॉस इस तरह से उन्होंने देखा तो नेचुरली बॉब होलमैन को लगा कि ये कितना भयावह, कितनी भयावह स्थिति है। और एक लिंग्विस्ट निक इवांस, वो गए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड में जहाँ के 400 लोग रहते हैं और 400 लोग 10 भाषाएं बोलते हैं, जो कि कभी कोई कोई भाषा आपस में म्यूचुअली इंटेलिजिबल भी नहीं है। कितनी भयानक स्थिति है और कैसे उसके ऊपर काम किया जाए, और समय कहाँ है इतने लैंग्वेज पे काम करने का, इतने लोग भी कहाँ हैं, देयर ऑल वल्नरेबल। माइकल क्रॉस ने 19 अलास्कन भाषाओं पे काम किया है और उन्होंने 1991 में लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका में अपनी भाषाओं में सबसे पहले ये बात उठाई कि अब वॉर फुटिंग में आवश्यकता है इन भाषाओं पे काम करने का। 1992 में उनकी एक पेपर निकली, द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन क्राइसिस, उसमें उन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि 50-90% भाषाएं गायब हो जाएंगी। उसके बाद में लोगों ने काउंट करना शुरू कर दिया, खासतौर से बायो मैथमेटिशियन पेंजेल ने, नेचर जो साइंस का जर्नल है उसमें उन्होंने इसका एक जिक्र किया था। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में एक इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कैटलॉग, एलकैट, एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने लिया और इसमें प्रेडिक्शंस उन्होंने किया है। उनको लगा कि शायद क्रॉस ने ज़्यादा ही घंटी बजा दी खतरे की, इतना भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग देखने का तरीका है। और इसके बारे में अगर आप चाहें तो एक रोजेटा प्रोजेक्ट .org वेबसाइट है, उसमें की एस्टिमेशंस को आप देख लें। इसके बाद में बहुत सारी सरकारें रिवाइवल की स्ट्रेटजीज भी सोचने लगी, खासतौर से यूके में वेल्श सरकार ने ये काम शुरू किया। अब ये कठिन काम है क्योंकि मुझे पता है हमारे साथ एक बार ब्रिटिश काउंसिल ने हमको 8 कवियों को एक कैसल में बंद कर दिया था 7 दिन के लिए कि आपस में एक दूसरे का अनुवाद कीजिए और एक दूसरे को समझिए। सो आठों अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं, तो उसमें वेल्श की एक कवि थी, कवित्री थी, और एक गैलिक की थी, अलग अलग लैंग्वेजेस के, एक अंग्रेजी के मैथ्यू हॉलिस थे जो कि फेवर के बहुत फेमस पोइट्री एडिटर हैं। तो हम लोग 8 लोग थे उसमें और समझने की कोशिश कर रहे थे। इतना कठिन काम है, एक स्नो क्लैड माउंटेन में जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है वहाँ ये लेडी रहती है, वहाँ कविताएँ लिखती है। आप, ये दूसरी बात है कि आजकल
एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, कि वहाँ से उनकी कविताएँ अनुदित होकर दुनिया भर में प्रकाशित होती है, लेकिन उनके लिए कितना कठिन काम है कविता को जिंदा रखना और उनकी अपनी भाषा को जिंदा रखना और रिवाइव करना। तो रिवाइवल सर्वाइवल जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। वेल्श जो कि 674,000 लोग बोलते हैं, धीरे धीरे देखा जा रहा था कि लोग वेल्श को छोड़ के अंग्रेजी की तरफ झुक रहे थे, लेकिन एक रिवाइवल की स्ट्रेटेजी ली गई जिसके तहत अब दोबारा लोगों ने वेल्श लैंग्वेज के ऊपर में काफ़ी काम शुरू कर दिया। तो आप अगर देखेंगे कि वेल्श लैंग्वेज स्कीम, वेल्श ट्रांसलेशन प्रोग्राम, आजकल बहुत सारा ये चल पड़ा है और वेल्श गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी इसकी सराहना की है। ऐसे ही स्पेन में भी जो बास्क लैंग्वेज बोलने वाले हैं, एक जमाना था सोचा जा रहा था कि बास्क जो है अब गायब हो जाएगी, कैटलोनिया ने आपने हाल में पढ़ा होगा उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया स्पेन से। तो मेरी एक कविता की किताब जब निकली जो कि रविंद्रनाथ का ओरिजिनल गीतांजलि का अनुवाद था तो कैटलोनिया से निकली है, और कितना इंटरेस्ट उनको कविता के ऊपर, भारत के ऊपर, टैगोर के ऊपर है वो तब मुझे पता चला। लेकिन कैटलोनिया पे बहुत दबाव था स्पेनिश लोगों का, स्पेनिश बड़ी भाषा है, स्पेनिश में इतने सारे नोबेल लॉरियट्स हैं, स्पेनिश का बोल वाला दूसरा है, उससे फुटबॉल टीम से लेकर हर चीज़ स्पेनिश में अवेलेबल है। लेकिन कैटलोनिया फॉर्चुनेटली ऐसी एक जगह है, खासतौर से बार्सिलोना का जो सेंटर है वो ऐसी जगह है कि बिजनेस में बहुत आगे है, जैसे ही आयरलैंड बहुत आगे है बिजनेस में सॉफ्टवेयर में, तो जो समहाउ मार्केट फोर्स में जो आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ पाए हैं वो अब रियलाइज करके अपनी भाषाओं को बचाने में जुटे हुए हैं, रिवाइवल सर्वाइवल में जुटे हुए हैं। तो यही एक वेल्श का भी ये तरीका हुआ। ग्रीनलैंड आपको पता ही है कि ये बहुत रेयर जगह है, और 2016 में केट यॉर्डन ने ग्रीनलैंड के बारे में लिखा था कि एज आइस बेल्ट्स एंड सीज राइज कैन एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस सर्वाइव, ये उनका आर्टिकल का शीर्षक था। इसमें उन्होंने एक कोट किया खासतौर से इनवी लैंग्वेजेस के बारे में, आपने इसकी मौका नाम सुना है, इनविट भाषियों का नाम सुना है। Wherever you are in Greenland, the way the wind feels can place you in relation to the sea and the ice. The Inuit have relied for nearly 1,000 years on tiny nuances in the breeze to guide them on foggy, starless nights, and they gave these winds special names. A single word, Iseranik, communicates something like, this is the wind in the fjord that comes in from the sea. It can be hard to get home, but once you get out of the fjord, it's a nice weather. एक शब्द का इतना अर्थ है, इतना लंबा सा अर्थ है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। But recently, as the winds change and become unpredictable, these terms are also disappearing. हमारे साथ भारतीय भाषा संस्थान में काम करने वाले जो कुछ सदस्य थे, जब उन्होंने अंडमान पे काम करना शुरू किया तो अंडमान में एक महिला थी जिनको उन्होंने इंटरव्यू किया और कहा कि देखिए आपके लिए भारत सरकार तो शायद बहुत कुछ कर रही है, इतना ग्रांट आपको मिल रहा है, इतने की सुविधाएं मिल रही हैं, तो ज़रूर आप अब खुश होंगे। उन्होंने कहा हम खुश थोड़े हैं, तो क्यों नहीं खुश नहीं हैं? तो हमारे जितने परिवार के पुरुष सदस्य हैं, पहले वो 7-7 दिन बिना खाए रह सकते थे, 7-7 दिन लड़ते झगड़ते समंदर में नाव के ऊपर में मछली पकड़ते किसी तरह से रह के वापस आके इस तरह से अपना जीवन चलता था। अब इतना हम लोगों को सुख सुविधा मिल रही है सरकार की ओर से कि 1 बजते ही भूख लग जाती है, 8 बजते ही दोबारा भूख लग जाती है, 7 दिन तक बिना खाए पिए काम करने का वो आदत तो है नहीं, तो हमारे लिए स्थिति बहुत बिगड़ गई है। ये बात तो सही है कि आप प्रगतिशील होना भी चाहें और उन्नति करना भी चाहें तो उसकी भी एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। ग्रीनलैंड में कुछ ऐसी स्थिति है। कल्चरल डाइवर्सिटी एक उपाय है देखने का कि डाइवर्सिटी कहाँ तक जीवित है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक पब्लिश किया है कैम्ब्रिज हैंडबुक ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, जो इस दिशा में शोध कार्य करना चाहते हैं वो अवश्य इस हैंडबुक को देखें। लोगों में एक इंसेंटिव रहता है कि जो क्षमता की भाषा है उसको सीख लें, उसको अपना लें, उसमें माहिर हो जाए ताकि जीवन में वो सार्थक बन सके, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बन सके, हायर स्टेटस हो सके, बेटर जॉब मिल सके। और इसका एक बड़ा कारण है कॉलोनियलाइजेशन, मतलब ये है ये जो कॉलोनीज बनी हैं, पोर्तुगीज कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, स्पेनिश कॉलोनी, ये कॉलोनियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा परिणाम रहा है लैंग्वेज एंड कल्चरल इंडेंजरमेंट, दुष्परिणाम कह सकते हैं ये रहा है। तो आप अगर क्लाइमेट चेंज को पहचानते हैं तो आप हर तरह का जो हर तरह की भयंकर स्थिति जो है, इंटेंस स्टॉर्म, राइजिंग सीज, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स, ये सब आप भूखमरी वगैरह सब आप सह पाएंगे, सब जान पाएंगे कि क्या करना चाहिए। हमारे गांव में, बिहार में, चाहे यूपी में, बहुत सारे लोग हैं जो कि आकाश की गति प्रकृति को देख के ही संकट की गति प्रकृति जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि इस बार इस तरह से होने वाला है। और ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, ये ज्ञान कनेक्टेड समहाउ इज कनेक्टेड विद द लैंग्वेज। रॉस वर्जीनिया ने कहा था कि द कनेक्शन बिटवीन ग्रीनलैंडर्स एंड द एनिमल्स इज एब्सोल्युटली सेंट्रल, जस्ट एज सेंट्रल एज ए लैंग्वेज एज टू हाउ दे आइडेंटिफाई द ग्रीनलैंडर्स। और कहेंगे कि जब जब ये भूखमरी की स्थिति आती है, बाढ़ की स्थिति आती है, तो हमारे एनिमल्स जो है वो धीरे धीरे मरते जाते हैं, धीरे धीरे वो गायब होते जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत तरह के हैं। मार्शलीज आइलैंड का एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है, जैसे ग्रीनलैंड का प्रॉब्लम है वैसे ही मार्शलीज आइलैंड का भी प्रॉब्लम है अरकानसास। इस पर हम डिटेल में नहीं जाते। तो क्या क्या सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? एक तो है कि क्लाइमेट चेंज इमिग्रेशन से जैसे लैंग्वेज को थ्रेटन मिल सकता है, थ्रेट मिल सकता है, वैसे ही माइग्रेशन से भी मिल सकता है। और बाहर से जो लोग आके बस जाते हैं ऐसी जगहों में जहाँ की छोटी छोटी भाषाएं बोलते हैं, बोली जाती हैं, उसका एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बाहर वाले कभी कभार लोकल लोगों को आउट नंबर कर देते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1951 से 1991 के भीतर में भोजपुरी भाषियों की संख्या नेपाल में 1004% बढ़ी है। ये कोई स्वाभाविक संख्या नहीं है, इसका मतलब है इतने सारे लोग बाहर से जाके नेपाल में बस गए हैं। अब जो हल्ला मच रहा है तराई में, जो हंगामे हो रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, बाहर वाले जब आ जाते हैं ना बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, तो जो वहाँ जो लैंग्वेज, नेपाल में 124 भाषाएं हैं, 124 भाषाओं में बहुत सारी भाषाएं इंडेंजर्ड हैं। उसका कारण हम खोजने लगे तो आपको लगा कि ये आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी एक ग्रीनलैंड वगैरह में बहुत बड़ी समस्या है। अब आके थोड़ी सी सूझबूझ इनकी बढ़ी है, तो इनकी कमिटी बनी है और कमिटी के माध्यम से प्लेस नेम्स वगैरह, नया शब्द जो आता है उसको डिक्शनरी में लाना, ये सब काम वो कर रहे हैं। इसका डिटेल हमने यहाँ दिया हुआ है, जब आपको समय मिलेगा, मौका मिलेगा, आप देख लीजिएगा और इसको और आगे जाकर देख सकते हैं। क्या एक कमबैक पॉसिबल है? क्या वापिस हम आ सकते हैं? लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने एक कैंपेन शुरू किया है जिससे अमेरिका में जो सेनेटर्स हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस को बचाएं, कैसे उनको रिवाइटलाइज करें। हमारे यहाँ अभी तक लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ने हमारे पॉलिटिशियंस को अभी तक ये ट्रेनिंग का काम किया नहीं है। इसलिए
आप अगर पार्लियामेंट के डिबेट्स को देखेंगे विस्थापित भाषाओं के संदर्भ में, बहुत समय ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल बचकाना लगता है, उनको उनसे और ज़्यादा सूझबूझ की अपेक्षा रहती है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई संवाद नहीं है हमारे जो भाषाविद हैं उनके बीच में और राजनयिक के बीच में, राजनीतिविद के बीच में कोई एक संवाद नहीं बना है। ओबामा के समय में दो बिल अमेरिकन सीनेट में आए हैं इन भाषाओं को बचाने के लिए, और प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ओपनली सपोर्ट किया है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस। हम लोग भारत में क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ नेग्लिजेंस अगर चलता रहेगा तो अंत में जाके हम लोगों को केवल अफसोस ही करना पड़ेगा कि ये भारत की जो विचित्रता है, डाइवर्सिटी है, वो धीरे धीरे बहुत यूनिटी हो जाएगा, लेकिन यूनिटी कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये इम्पॉर्टेंट है। सुनीति कुमार चटर्जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भारत के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझना है कि वी हैव ऑलवेज बीन अ हारमोनी इन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट हमारे पास है लेकिन एक हारमोनियस तरीके से हमने उसको चलाया हुआ है हजारों साल से। इसको अगर आप बिल्कुल मेरुकरण कर देंगे, इसका अगर एक तरफा एक बुलडोजर से, तो बहुत डेंजरस काम हो जाएगा। सो अनप्लैंड अनबैलेंस्ड डिस्प्लेसमेंट कैन किल लिटरेचर कल्चर एंड देयर मीडियम दैट इज लैंग्वेज। बहुत सारे हमारे समान भाषा विज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि दुनिया की और जगहों में बहुत जल्दी लोग भाषाओं को गिव अप करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी भाषा में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा, भारतीयों में ऐसा नहीं होता है, भारत में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड थर्ड जनरेशन भी हम लोग रिटेन करते हैं, अब नहीं है, अब स्थिति वो नहीं है, ये बिल्कुल बदल गया है एज द टाइम हैज़ गॉन बाय। इसका नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट है मार्जिनलाइजेशन ऑफ स्पीच ग्रुप्स, इंक्रीज मॉर्टलिटी, चांसेस ऑफ मॉर्बिडिटी, फूड इनसिक्योरिटी, ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यूज। आप देखेंगे छोटी छोटी जो भाषाएं बोलने वाली हैं, क्योंकि ये पैसा नहीं है, खाने का साधन नहीं है, उपाय नहीं है, तो इनकी महिलाएं धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन में उतर आती हैं, ये ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यूज हो जाते हैं, करेंगे क्या, कोई उपाय नहीं है रोजगार का, स्प्लिट फैमिलीज, परिवार बिखर जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि गांव के गांव चकमा रिफ्यूजीज जो हैं उनके पुरुष जेहेतु क्योंकि मारे गए, तो जो बंगला बोलने वाले हैं उन्होंने आके उन महिलाओं को बंगला से शादी करके फैमिली रचना शुरू कर दिया, तो चकमा गायब है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से बांग्लादेश में रांगामाटी में जाकर देखा हुआ है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, पिजिनाइजेशन स्पीच हो जाता है इन चीज़ों से। ये ग्रोइंग ट्रेंड है दुनिया भर में रिफ्यूजीज नहीं, इंटरनली डिस्प्लेसमेंट का। रिफ्यूजीज तो समझ में आता है कि रिफ्यूजी बन के आप पाकिस्तान से इंडिया में चले आए हैं क्योंकि आपका देश विभाग हो गया है, लेकिन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, आप भारत में ही हैं लेकिन अपनी जगह पे नहीं है, अपनी जगह से विस्थापित है। इसके स्टैटिस्टिक्स ये है, अगर आप देखें दुनिया भर में एक IDMC है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर नॉर्वे में, उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स दिया है उसके हिसाब से देखें कि रिफ्यूजीज की संख्या जैसे जिस तरह से बढ़ रही है उसका डबल स्पीड से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और वर्ल्ड वाइड, होल वर्ल्ड की मैप अगर देखें इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, तो ये स्थिति है यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, एशिया में और अफ्रीका में, इंटरनल डिस्प्लेस जो पीले पीले देख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये बहुत भयावह स्थिति है। इसका मतलब है ये लोग अपने हैबिटेट में नहीं हैं, ये बिल्कुल बाहर फेंक दिए गए हैं, अब धीरे धीरे इनकी भाषाएँ, इनकी संस्कृति ख़त्म होती जाएंगी। मैंने एक पेपर लिखी थी 2009 में, द सेंस ऑफ डेंजर, जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, जो कि इंटैक आपको पता ही है, जो हेरिटेज के ऊपर काम करते हैं इंटैक वाले, आर्कियोलॉजिकल काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय जबकि एटलस बन रहा था
एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन किया था कमलिनी सेन गुप्ता ने, तो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इस किताब का प्रकाशन उन्होंने किया बाद में, जिसमें कि पेपर छपी थी, उसमें ये डिस्ट्रेस सिग्नल इंडिया में जो है उसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत किया था, और उसमें मैंने ये मैप प्रेजेंट किया था, दिखाया था कि भारत में ये स्थिति है इस समय, खतरा यहाँ यहाँ है भारत में, जहाँ जहाँ आपको लाल नज़र आ रहा है। आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बुरा हाल है। समस्या ये है कि 96% ऑफ इंडियंस स्पीक ओनली 4% लैंग्वेजेस एंड 4% ऑफ इंडियंस इन नॉर्थ ईस्ट स्पीक 96% ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड दीज 96% लैंग्वेजेस आर इन डेंजर। ये यथास्थिति है, वस्तुस्थिति है, इसे कैसे हम निपटेंगे ये सवाल है। दो तरह से निपट सकते हैं, एक तो यह कि इन छोटी छोटी भाषाओं में इनकी डॉक्यूमेंटेशन हम करें, दूसरा हम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और करके हम इनको मदद करने की कोशिश करें। बहुत लोग ये बात उठाते हैं कि क्या चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि इनमें प्रिंटिंग करें, पब्लिश करें, प्रोपगेट करें, इनको पढ़ाएं, क्या और कोई तरीका है इनको बचाने का जो कि कम कॉस्टिंग है, इनएक्सपेंसिव है। इसमें मुझे लगा कि हमारे बॉडी में जो इम्यूनोलॉजी का सिस्टम है उससे एक मॉडल मिल सकता है, तो मैंने आपके सामने दो चार स्लाइड इम्यूनोलॉजी के रखे हैं। क्लासिकल इम्यूनोलॉजी ये कहती है कि इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड व्हेन द बॉडी एनकाउंटर समथिंग नॉन सेल्फ, कि सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ की बायोलॉजी में आपको देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है। जब नॉन सेल्फ इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, बाहर की कोई चीज़ आके बॉडी में इन्फेक्ट करती है, अटैक करता है, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जाग जाता है और उसको अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। सो ये मैच्यूरेशन प्रोसेस जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ टॉलरेंस को बढ़ाने में। इस पर कुछ डिटेल में हमने यहाँ दिया हुआ है। सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि देर इज नो इम्यून रिएक्शन टू फॉरेन बैक्टीरिया और टू द फूड वी ईट, ऑल्दो बोथ आर फॉरेन एंटिटीज। सम ऑटो रिएक्टिव प्रोसेसेस आर यूजफुल, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाई स्ट्रेस सेल्स। तो ये सेल्फ की डेफिनेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सेल्फ है और क्या अदर है, जिसको साहित्य में भी आप देखेंगे कि अदरिंग का जो कॉन्सेप्ट है और सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का ही है, जो कि बायोलॉजी से मिलता जुलता है, और इससे हमको कुछ कुछ चीज़ें सीखनी हो सकती है। देर मस्ट बी क्लासिकल डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग दैट गोज बियॉन्ड द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्टिंक्शन। कुछ कुछ लोगों ने कंक्लूड किया है कि इम्यून सिस्टम एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट्स सम सेल्फ फ्रॉम सम नॉन सेल्फ। द डेंजर थ्योरी प्रोवाइड्स अ वे ऑफ एस्केपिंग द सिमेंटिक डिफिकल्टीज विद सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अपशॉट ये है कि आवर बॉडीज आर प्रोग्राम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मलेस नॉन सेल्फ एंड हार्मफुल नॉन सेल्फ। सब नॉन सेल्फ को मार देता है दवा ऐसी नहीं है, आप एंटीबायोटिक लेंगे तो हर चीज को मार देगा ऐसा नहीं है। अब जो इम्प्रूव्ड एंटीबायोटिक्स आया है वो हार्मफुल एंड जो नॉन सेल्फ है उसको रिकग्नाइज करने में सक्षम है। तो ये सेंट्रल आइडिया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया है। तो इसलिए बॉडी जो है कैसे डेंजर को परसीव करती है और कैसे डेंजर सिग्नल को इस्टेब्लिश करती है, कैसे हार्मफुल नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब हमारा सवाल ये है, इज देयर अ मॉडल of the perceived and real danger for endangered speech communities। अगर कोई मॉडल इससे हम बना सकते हैं तो हम बहुत कामयाब आएगा। एक तरीका है, ऑस्ट्रेलियन लिंग्विस्ट ने एक तरीका बनाया है, शेलबुक टेक्नोलॉजी। कुछ साल पहले, करीब 10 साल पहले बैंकॉक में एक सेमिनार हुआ था, जिस समय जब मुझे बोलना था इन विषयों पर, तो मेरे बाद में बोलने के लिए आए पापुआ न्यू गिनिया के एजुकेशन मिनिस्टर,
और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि रातों रात पपुआ न्यू गिनिया के सरकार ने ये निर्णय लिया कि उन वहाँ जो 800 छोटी छोटी भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं, और सब में वो मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर देंगे, स्कूल में सब लागू कर देंगे। अब 800 पापुआ न्यू गिनिया की तरफ अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग आइलैंड में बोली जाने वाली भाषा है। पापुआ न्यू गिनिया इज ए सीरीज ऑफ आइलैंड, इट्स नॉट अ सिंपल वन मोनोलिथिक लैंड, इंडिया जैसा नहीं है स्थिति। तो वहाँ सब आइलैंड जो है एक दूसरे से कटा हुआ है। वहाँ 800 आइलैंड में एक साथ मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग एजुकेशन शुरू करना बहुत कठिन काम था। तो कैसे उन्होंने किया, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी उधार ली ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज से, जिसको कहते हैं शेल बुक टेक्नोलॉजी। अब शेल बुक टेक्नोलॉजी में उन्होंने, उनको शेल मिला, उनकी कल्चर को, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ को स्टडी करके उन्होंने कुछ शेल बनाया, अल्टरनेटिव शेल्स, और वो शेल को कंप्यूटर में डाल के उन्होंने अपना अपना लैंग्वेजेस का, जो ऑल ऑफ देम आर रोमनाइज्ड, तो स्क्रिप्ट इज नॉट एन इशू, डालना शुरू कर दिया। तो रातों रात उनके 800 टेक्स्ट बुक्स बन गए। विद इन ए ईयर, टू ईयर्स, दे कुड क्रिएट 800 टेक्स्ट बुक्स इन 800 लैंग्वेजेस। एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ दिया हुआ वीरांगू का, ग्लैडिस मिलर से एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये शेल के पिक्चर्स, शेल के अलग अलग तरीके के चीज़ें लोकल एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के उन्होंने तैयार किया है इस तरह से, और उन्होंने वर्डनेट का इस्तेमाल किया है। इस पिक्चर को आप देख नहीं पाएंगे। प्रिंसटन की साइकोलॉजी लैब में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वर्डनेट कॉन्सेप्ट। वो हमने अभी तक जो डिक्शनरीज देखे हैं, बनाए हैं और यूज़ किए हैं, उसमें सिनोनिम्स हमें मिलता है, एंटोनिम्स मिलता है, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप क्या है, नेटवर्क का रिलेशनशिप क्या है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। अब वर्डनेट एक इतना बड़ा रिवोल्यूशन है कि आपको आज जो गूगल में सर्च कमांड मिलता है, जो कि हमारे ज़माने में जब सर्च कमांड बन रहा था, जब हमने उसमें काफ़ी लोगों से डिस्कस की थी गूगल के सर्चिंग इंजन आने से पहले का जो कॉन्सेप्ट था, उस समय ये वर्डनेट का बोलबाला शुरू हुआ, और उसके बेसिस पे सभी कंपनीज ने अपना अपना ब्राउज़र निकाला, सर्च इंजिन्स कैसे हैं। तो शुरू में गूगल आने से पहले भी एक ब्राउज़र निकला विच इज़ सिमेंटिकली बेस्ड, कि आप सर्च जो कर रहे हैं उसके बाद में आपके साथ इंटरेक्शन होगा, एक संवाद होगा कंप्यूटर का। आपने एक सर्च दिया कमांड, वो पूछेगा आपसे, ओ अच्छा आप गुड सर्च कर रहे हैं, तो गुड का कौन सा सर्च कर रहे हैं, गुड मतलब वीक, गुड मतलब कंप्लीट, गुड मतलब इंटेंस, गुड मतलब ब्यूटीफुल। अगर गुड आप कहेंगे तो गुड का ही 60 अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। आप जो भी रूट लेंगे, आपने मान लीजिए चूज कर लिया हम गुड मतलब इंटेंस चाहते हैं, इंटेंस में चले गए, अब इंटेंस का अलग से सिनोनिम का वर्ल्ड होता है, तो उसमें से आपको सवाल पूछना शुरू कर देगा। करते 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 सवाल जवाब की भीतर से आप कहीं एक जगह पहुंचेंगे जहां एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं उस शब्द को या उस बात को या उस विषय को वो सामने ले आएगा खोज के। तो सिमेंटिकली ओरिएंटेड, वर्डनेट ओरिएंटेड सर्च इंजिन्स क्रिएटेड। आज गूगल भी एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है, एक्सेप्टिंग आपको दिखाता नहीं है, वो बैक एंड में काम करता है। इसलिए कि वो क्या करेगा कि आप जब सर्च करेंगे तो वो पहले एक आपकी सर्च की हिस्ट्री देखेगा कि ये तो ऋषि भाई हैं, इनकी इच्छा और इनकी जो इंटरेस्ट है वो तो साहित्य की तरफ है, इसलिए वो जो गुड सोच रहे हैं वो साहित्यिक गुड के बारे में सोच रहे हैं, वो दार्शनिक गुड के बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए दर्शन वाला गुड को हटा देगा। तो आपका जो सब ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको मेमोरी में रख के जान के, इसलिए वो आपसे डिमांड करता है। जब आप स्मार्टफोन में कंप्यूटर में अपना वो करते हैं, वो चाहता है ना आपका कॉन्टैक्ट आप देना चाहेंगे, आपकी तस्वीर आप देना चाहेंगे, आपके सर्च के हिस्ट्री आप देना चाहेंगे। आपने सब में हाँ हाँ कर दिया, हाँ एक बार कर दिया, इसका मतलब है अब आपको वो छानबीन आपकी करेंगे। वो जब आप कुछ संधान में हैं तो आपकी छानबीन करके आपके मतलब मुताबिक वो निकाल लें। लेकिन आप अगर ऐसे रिवोल्यूशनरी थिंकर हैं कि कर कुछ और रहे हैं और चाह कुछ और रहे हैं, तो फेल हो जाता है।
तो ये है तरीका, और ये मेरा अंतिम स्लाइड था। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की, आपने ध्यान से इतनी देर सुन के इतनी कठिन बातें सुनी, और इससे मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ गया कि आज के स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कठिन बातों पे, कठिन चीज़ों को सुनने में जानने में। ऐसा कोई कोई टीचर सोच लेता है, इसीलिए वो थोड़ा पानी मिला के बोलता है। तो मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया, वो इसलिए कि आप स्वयं उसको आपने इनकरेज किया, इसलिए धन्यवाद। सर बिल्कुल, आपने स्थानीय से वैश्विक परिदृश्य बोलियों के संदर्भ में हमारे सामने रख दिया। ग्लोबल और लोकल को मिलाकर के जो भाव बनता है वो स्थिति है। शांतिनिकेतन में एक अस्पताल बना है ग्लोकल। ग्लोकल, अच्छा जी, तो वो स्थानीय और वैश्विक, क्योंकि जो समस्या स्थानीय है वो स्थानीय अब है नहीं, और जो है वो उसकी वजह सिर्फ स्थानीय वजह नहीं है। तो विश्व से स्थानीयता प्रभावित हो रही है और स्थानीयता विश्व को प्रभावित कर रही है। तो एक बोली को बचाना, अपनी बोली को बचाना, बचाना क्या, उससे प्यार करना, उसको छोड़ना नहीं, उसको आदर के साथ बोलना, स्नेह के साथ बोलना, सम्मान के भाव के साथ बोलना, पहला कदम तो बचाने का वही है कि हम अपनी बोली अपनी भाषा में बात करने से झिझके नहीं, वो हमारी पहचान है। सर ने एक अपनी पूरी अंतर्राष्ट्रीय छवि और चिंतन से अलग आपने देखा कि जिस तरह से मैथिली में कविता का पाठ किया, वो उस दौरान लग रहा था कि ये सचमुच मैथिली के ही कवि हैं और कुछ नहीं है। तो जहाँ हैं आप, जिस विषय पे हैं आप, अपनी पूर्णता में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो अध्यापक साथी और विद्यार्थी हैं उनमें से कुछ अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए, सवाल पूछिए। सर आपकी भाषा भी है और भारत के बहुत सारे भाषाओं को आपने जाना भी है, तो हमारे भारत के लिए अभी भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा राष्ट्रभाषा नहीं। और सर आपने बहुत सारे भाषाओं को जाना होगा, और राष्ट्रभाषा का जो उदाहरण है कि राष्ट्र की जो बहुसंख्यक लोग बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो आपके दृष्टि में सर क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा की कसौटी पर खरा उतरती है, या कोई और जो भाषा है जो राष्ट्रीय भाषा हमारा हो सकता है? और एक सवाल देंगे बस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया था। हमारी 22 राष्ट्रभाषाएं हैं संविधान में, अष्टम अनुसूची में जो भाषाएं स्वीकृत हैं सभी हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। राजभाषा क्या हो वो बात और है, और राजभाषा के संदर्भ में हिंदी राजभाषा है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। ये स्थिति भारत की है। अब इसको आप दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सौभाग्य के रूप में भी देखना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती अगर कोई हिंदी को केवल एकमात्र राष्ट्रभाषा के रूप में अनाउंस किया होता तो सचमुच लैंग्वेज रायट्स शुरू हो जाती। वो स्थिति हो गई थी, एंटी हिंदी एजिटेशन का ज़माना 1960s का आप याद करें। पर वस्तुतः भारतीय भाषा संस्थान जो दक्षिण में मैसूर में बनी, ये संस्था, उसका कारण ही यही था कि एंटी हिंदी एजिटेशन जब शुरू हुआ तो एग्रीमेंट के रूप में मिसेस गांधी के ज़माने में एग्रीमेंट किया गया, साइन किया गया कि हाँ हम दक्षिण में भारतीय भाषा संस्थान को बनाएंगे क्योंकि हम दक्षिण की भाषाओं को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं, और उसमें जो परंपरा की भाषा है तमिल
उसको हम किसी कतई किसी हद में किसी से कम नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अंबेडकर जी ने और बाकी अन्य जो संविधान के निर्माताओं ने जो बहुत सूझबूझ दिखाई और अष्टम अनुसूची की संकल्पना की, इट्स ए ग्रेट रोल मॉडल फॉर मेनी मल्टीलिंगुअल कंट्रीज। तो इसको आप दुर्भाग्य मान सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं दुर्भाग्य, लेकिन मैं कहूँगा ये सौभाग्य है कि इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। और अटल जी ने बहुत सूझबूझ के साथ इस बात को कही थी। अब एक छोटी टिप्पणी के लिए मैं योगेश जी को आमंत्रित करता हूँ। योगेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में सहायक प्रोफेसर है, योगेश प्रताप शेखर। देखिए, आप लोग जानते हो कि ऋषिवाणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो ऋषि जी ने आदेश दे दिया है। मैं तो सुन करके आया था, मैं अपने व्यक्तिगत काम से आया था कलकत्ता, ऋषि जी से बात हुई तो पता चला कि सर का व्याख्यान है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका था। और सर को तीन व्याख्यान के सिलसिले में सुनना मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। चूँकि भाषा में दिलचस्पी रही है मेरी, वैसे भाषा विज्ञान मेरा विषय नहीं है, मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ, और साहित्य के सिलसिले में जो बातें इससे जुड़ती हुई नज़र आई मुझको, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे सर कुछ कह रहे थे कि बहुभाषिकता बहुत ज़रूरी है, तो हमें ये झांक के देखना चाहिए। मान लीजिए हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत ही बहुभाषिकता से करते हैं। हम अपभ्रंश पढ़ाते हैं, ब्रजभाषा पढ़ाते हैं, मैथिली पढ़ाते हैं, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं? जैसे आधुनिक